सिंह मैम को भी मैं नमस्ते करता हूँ। बहुत खुशी है आप लोग से मिलके आज, और आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया आज थोड़ा सा आपस में हम डिस्कस करने के लिए, और अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत हम आगे जा सकता है। और हम अभी लॉकडाउन के कारण हम अभी कैकिंग कैनोइंग नहीं कर पा रहा है, फिर भी घर पे होने से भी हम कर सकते हैं फिजिकल और बम्बू ट्रेनिंग वगैरह। सबसे अच्छा है बेसिक ट्रेनिंग, जो घर पे रहते रहते बम्बू ट्रेनिंग हो गया और कोर एक्सरसाइज हो गया, फिजिकल तो हम कर सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। तो बहुत क्या बहुत अच्छा है। और जितना भी हमारा अभी कोर्स है साई में, और जितना भी हमारा सेंटर में, ये क्या बोलते, आर्मी में हो, जनेवी में हो, जाए सीआरपी में हो, जितना भी है अभी एनएस का कोर्स सब हो गया, तो हम आने वाला समय में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि पहले हमारा टाइम में 2099 में एनएस इतना नहीं था, क्योंकि हमको स्पोर्ट्स साइंस इतना मालूम नहीं है 2001-2099 में। तो अभी फिलहाल हर साई सेंटर में एनआईएस का कोर्स हो गया, वो अच्छी बात है और परफॉर्मेंस भी आएगा इससे। क्योंकि पहले तो एनआईएस इतना नहीं होता था, एक दो बंदे ही करता था, अभी आजकल फिलहाल सब अच्छा अच्छा कोर्स आने लग गया, तो इसकी वजह से हमारा कैकिंग कैनोइंग का भी डेवलप हो सकता है। और हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। और ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है सर, पहली बार हमारे इंडिया में हम इधर कैकिंग कैनोइंग का वो होता था। मैं हम तो आर्मी में सब, हम तो नहीं आ पाता था क्योंकि हम ड्यूटी पे, अभी लॉकडाउन के कारण हमको ड्यूटी लगा दिया, हमको गेम कुछ नहीं। अभी मैं फिलहाल छुट्टी पे हूँ तो मैं आज मौका मिला तो आप लोग से शेयर करने के लिए। और जितना भी पेडलर है, यंग प्लेयर है, वो हमने उम्मीद करना है जितना साई में है बच्चे, जो साई में है वो अच्छा कर सकता है। क्योंकि आपको डाइट भी अच्छा मिलता है साई की वजह से, हमें भी साई में थे भोपाल में, तो इससे भी मैं परफॉर्मेंस भरा। अभी तक मैं लगातार 19 ईयर हो गया पेडलिंग करके, तो वो इसकी वजह से हुआ, तो साई की वजह से हुआ। तो साई आपको टाइम पे ट्रेनिंग करने देता है, और टाइम पे रेस्ट करने मौका मिलता है, और टाइम पे खाना वगैरह भी मिलता है आपको। तो उसमें हम पॉजिटिव सोच के, नेगेटिव नहीं सोचना है जिंदगी में, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचेगा तो सक्सेस होगा। क्योंकि जितना भी अभी हमको फैसिलिटी मिल रहा है वो अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, फॉरेन बोर्ड है और अच्छा कोर्स है, खाना है अच्छा खाना है, तो बहुत अच्छा है साई में। जो जितना भी साई का बच्चे है, जितना भी सेंटर साई वाले बच्चे सेंटर में है, तो वो अच्छा गेम कर सकता है और देश के लिए नाम रोशन कर सकता है। क्योंकि हमारा कैकिंग कैनोइंग अभी आने वाला समय में अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कोर्सों भी आके, और जो 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 ऑर्गेनाइजर है, जो सेक्रेटरी हो चाहे प्रेसिडेंट हो, जो अच्छा अच्छा कर रहा है हमारे लिए, बहुत अच्छा सोच रहा है। तो हमने नेगेटिव नहीं सोचना, जिंदा अच्छा सोचेगा तो हम अच्छा ही मिलेगा। तो कर सकता है, हम लोग एशियन गेम्स में मेडल आ सकता है, और एशियन चैंपियनशिप में मेडल आ सकता है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आ सकता है, और ओलंपिक में मेडल आ सकता है। क्योंकि हमारा अंदर, हमारा इंडिया में सब कुछ है। हम सोचता है हम कुछ भी नहीं, हमारे अंदर सब कुछ है, प्लेयर है, और हमारा ग्राउंड है अच्छा है, जैसा क्यूबा हो गया, जैसा क्यूबा कंट्री है, थोड़ा सा हमारे से थोड़ा सा वो है, तो क्यूबा कर सकता है, लेकिन हमारे से करीब कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये लोग कर सक क्यों करता है, क्योंकि वो लोग हमारे से थोड़ा नीचे है। हम देखो, हम अभी हम जॉब मिल गया, हम तनख्वाह मिलता है, इससे भी हम डाइट खा सकता है। और क्यूबा हो गया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वो लोग हमारे से जो प्लेयर है उससे थोड़ा वो है, खाने पीने का भी नहीं मिलता। तो इंडिया में सब कुछ मिलता है, फिर भी हम लोग सोचते हैं हम कुछ नहीं है, हम हमारा हम नहीं कर रहे हैं,
ट्रेनिंग हम नहीं कर रहे हैं तो हम गलत दिमाग सोच रहे हैं, इसकी वजह से हम पीछे हो रहे हैं। हम अच्छा सोचते हैं हम लोग, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ जो भी अभी प्लेयर नया नया आ रहा है वो अच्छा थिंकिंग सोचो। हम सोचता है ये खाने से ये डेवलप हो जाएगा, वो खाने से वो नहीं, जो साय में मिल रहा है, जो साय में मिल रहा है वो रेगुलर खाने से, रेगुलर करने से। हम क्या करता है, एक दिन बादाम खाता है सो देता है, दो दिन बादाम खाता है वो सोता है, लो वो रेगुलर करना है। वो जो साय दे रहा है डाइट, वो रेगुलर खाना है, ढंग से पानी पीना है और प्रॉपर रेस्ट करना है और अच्छा थिंकिंग सोचना है। तो और स्पोर्ट्स का चैनल देखना है, जितना भी स्पोर्ट्स का टीवी में आप वो गाना मैंने सुनना है, मगर स्पोर्ट्स का चैनल देखना है तो आप जोश आएगा गेम कैसे करना है। तो देखो हमें तो मैं गेम शुरू किया तो मैं ईएमई में भर्ती हुआ तो मैंने अपना अर्जुन अवार्ड शिजी थॉमस को मैंने रोल मॉडल समझता, क्योंकि वो अच्छा बिहेवी है और अच्छा करेक्टर है और अच्छा प्लेयर भी है और सब कुछ है साहब के अंदर। तो मैंने साहब को देख के गेम किया तो मेरे को 19 ईयर तक गेम कर पाया। मैं नेशनल के अंदर बोल रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल में तो हाँ इंटरनेशनल जरूर खेला, 9 बार खेला इंटरनेशनल, भी फाइनल पहुंचा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। फिर भी तो हम मैं भी फाइनल पहुंच सकता है तो आप लोग फाइनल में मेडल ले सकता है, क्योंकि मेरा तो अभी शायद मेरा उम्र हो गया 35 उम्र हो गया। तो हाँ मैं भी सोचता हूँ अभी करना है कुछ, तो अभी मैं भी पीछे कर रहा हूँ आपके पीछे पीछे। आप लोग यंग है, जितना भी बच्चे है मेरा आवाज सुन रहा है तो कर सकता है। जैसा हमारे शिजी कुमार है, एसएन मेडालिस्ट, साहब के अंदर मैंने ट्रेनिंग भी किया, तो साहब का सब कुछ अच्छा है क्योंकि साहब ने अच्छा सिखाया था हम लोग को। 2007 में साहब के अंदर हमने ट्रेनिंग किया, तभी अभी भी चल रहा हूँ साहब के अंदर से ट्रेनिंग करके। और अपना जयंत सर, अपना जयंत कुमार जो वो भी अच्छा है, अच्छा हमको सिखाता है। मेरा बेसिक का सीनियर रहा मणिपुर में 99 में, 2001 में मेडल लेके आया जयंत साहब इंडिया खेल के, तो उसे हम सीखने मिला। तो जयंत साहब ने भी सिखाया हमको बेसिक, ऐसे करना है ऐसे करना है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग को। और जितना भी बच्चे अभी मेरा आवाज़ सुन रहे, तो बम्बू ट्रेनिंग करना है। जितना हमने बम्बू ट्रेनिंग करेगा, जितना हमने फिजिकल अभी से टेक्निक सुधरेगा तो आप लंबा गेम कर सकता है। और फिजिकल मैन है, फिजिकल मैन है, आप चिन अप करना है, पुशअप करना है, चितप करना है, कोर एक्सरसाइज करना है, बैठे बैठे घर में गाना सुनते सुनते वो एक्सरसाइज करना है। तो उसमें क्या हम डेवलप, जो कोर्स आपको पीछे नहीं देख सकता, कोर्स आपको रास्ता देगा बेटा ये करो, वही रास्ता हमने इसके पीछे पीछे जानना है। और हमें इतना कोर्स बोलेगा तू रनिंग करो तब रनिंग नहीं करना, आप सोचते हैं जब कोर्स बोलेगा मैं करूंगा, नहीं, अपना सेफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जब अपना खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए तब जाके हम सब इंडिया में मेडल आ सकते हैं। कोई है इंटरेस्ट, दो तीन इंडिया में इंटरेस्ट है इसके लिए मेडल नहीं आ पा रहा है, कम से कम 12 का 12 प्लेयर हम इंटरेस्ट हो जाएगा तो हम आ सकता है। और अच्छी है, और कोशिश करना है, जितना भी बच्चे मेरा हो कर रहा है आवाज सुन रहे हैं भाई लोग और बहन लोग, क्या कहें कैनोइंग का फैमिली लोग, तो अच्छा हम अभी आने वाला समय में अच्छा हो जाएगा। देखो पहले हमारा टाइम ऐसे नहीं होता, तो आप लोग की तरह अच्छा हो रहा है, तो मैं बहुत खुशी हूँ। हमारा कैकिंग क्यों आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि साई हमारे को सपोर्ट दे रहा है। जितना भी साई में ऑफिसर बैठा है, डायरेक्टर हो चाहे हेल्प स्टाफ हो, कोई भी हो, हमको मदद कर रहा है हमारा कैकिंग क्यों मदद वो आगे आने के लिए। जितना भी अभी कोर्स नया कोर्स एनआईएस करके आया, और जो 1 साल 2 साल के अंदर एनआईएस खत्म हो, उसने भी कोशिश किया, बॉयस में है कोई कोर्स लोग, और अभी साई में है और आर्मी में है नेवी में है, तो सब अभी एनआईएस कोर्स हो गया। अभी स्पोर्ट्स साइंस, हम पहले स्पोर्ट्स साइंस मालूम नहीं था स्पोर्ट्स साइंस क्या 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 होता है, अभी जो एनआईएस कोर्स मिलता है तो स्पोर्ट्स साइंस ये होता है। किसी मसल है 10 सेकेंड के अंदर रिकवरी होता है, कोई मसल है 24 आवर के अंदर रिकवरी होता है, कोई मसल है 5 सेकेंड के अंदर रिकवरी होता है, कोई मसल है 10 सेकेंड के अंदर रिकॉर्ड भी होता है, कोई मसल है जैसे 24 आवर भी लगता है कोई मसल। तो हम पहले पता नहीं था, हम पूरा देसी चलता था। अभी जो एनएस का कोर्स हमारा आर्मी का तो कोर्स है दिलीप साहब, वो उसने भी हम लोग को अच्छा सिखाया, बोला ये करना ये खाना है ऐसे सोना है और ये मसल है ये है वो है करके बताया, तो हम पता चल गया, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग का भी जो बच्चे है साई में, तो गेम अच्छा कर सकता है, जो आप लोग के पास
कोच है, अच्छा अच्छा कोच हो गया, सीजी साहब हो गया और अपना अंकित साहब, अंकित सर हो गया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है साई का। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में, 2-3 ये कोरोना खत्म होने के बाद हमारा कैकिंग कैनोइंग का भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है इंडिया में। अभी अभी तक तो आ रहा है, मेरे को अभी डेवलप हो रहा है बहुत बहुत, तो बहुत अच्छा हूँ। और आप लोग की यही है, मेहनत करना है और मेहनत दिमाग से है, ऐसे नहीं मेहनत करना करके ऐसे नहीं, मगर मेहनत दिमाग से करना है, दिमाग और दिल मिलके मेहनत करना है। और जो भी आप लोग कोई कोई है, कोई कोई शाय में नहीं है, तो उस लोग के बच्चे के बारे में बोलो जो जो कोई कोई शाय में नहीं है, जैसा आसाम हो गया, जैसा मणिपुर हो गया, उन लोग में शाय नहीं है, फिर भी कोई बने आप घर में करके प्रैक्टिस करें वो अच्छी बात है, वो करना है। मैं भी पहले शाय में नहीं था, तो शाय में सिलेक्शन हुआ 2003 में भोपाल में, तो मैं भी पहले 99 से गेम शुरू हुआ, तो 99 में गेम शुरू हुआ तो मैं थोड़ा घर में, तो घर में जो भी मिलता है वो खाते, पॉजिटिव सोच के, नेगेटिव में सोचना, मैं चिकन नहीं खाया, मैं मटन नहीं खाया, मैं वो नहीं खाया, वो नहीं सोचना, जो भी आपको घर में दे रहा है उसको दिन में खुशी में खाएगा तो वो एनर्जी लग जाएगा, जो दुखी में खाएगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो जो भी घर में रहने वाला हो और जितना भी घर में प्रैक्टिस कर रहा है तो अच्छा कोई बात नहीं, जो भी मिलता है उसमें खा के आपको वो करना है, मेहनत करना है। और खा के भी पीछे होता है, कोई कोई है जो जो खा के पीछे भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, जो जो नहीं खाया वो भी गोल ले लेता है, तो हाँ तो अच्छा है। तो जो जो बाहर रहता है अभी बच्चे, वो भी अच्छा मेहनत करना है और साई में ज्वाइन करने की कोशिश करो और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और साई में ज्वाइन नहीं कर पाया फिर भी हम बाहर रहते ही हम मेडल ले सकता है और इंडिया के लिए नाम भी रोशन कर सकता है। और अब मैं बताना चाहता हूँ बच्चे को, जितना केनो हो चाहे कयाक हो, को कम से कम अभी तो हम कोई कोई स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है, कोई कोई स्टेट में कोरोना फैल रहा है, तो हम बाहर नहीं जा पाता, तो घर में बैठे बैठे एक बम्बू लेना है, एक वास लेना है, तो हमें बम्बू ट्रेनिंग करना है। बम्बू ट्रेनिंग जितना करेगा तो अपना मसल भी अच्छा हो जाएगा और पैकिंग मसल आ जाएगा और अपना कैनोइंग मसल आ जाएगा, तो उसमें क्या है हम डेवलप हो जाए। बम्बू जितना यूरोप कंट्री है जो बम्बू ट्रेनिंग ज़रा करता है, जो बम्बू ट्रेनिंग ज़रा करता है तो वो क्या अच्छा पूरा वो हो जाता है, टेक्निक हो जाता है। हम इंडिया में कमी है, बम्बू ट्रेनिंग नहीं करता, बोलता है बम्बू ट्रेनिंग बच्चे करना है, नो हम अभी भी कर सकता है हम लोग, हम जितना अभी बम्बू ट्रेनिंग करेगा तो इसमें भी हम अच्छा हो जाएगा। मैं अभी भी करता हूँ फिर भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है इंडिया के अंदर, मैं इंटरनेशनल में तो नहीं बोल पाता हूँ, नहीं अभी खेलना सिलेक्शन होना वो उम्र भी हो गया बोल रहा है, तो ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना नेशनल में मैं खेल सके तो मैं खेल रहा हूँ, और उसकी बम्बू की वजह से बम्बू ट्रेनिंग हो गया। और टाइम पे पानी पीना है, जितना भी बच्चे है जितना भी बच्चे है वो क्या है पानी पीना छोड़ देता है, पानी पीना है तो आपको रिको भी मिलना मिलना है, जो पानी पिएगा जो इतना हार्ड वर्क करेगा तो पानी पीने से शरीर की भी अच्छा है, और टाइम पे पानी पीना है और टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। कोई कोई अच्छा अच्छा प्लेयर है जैसा मैंने नाम लिया अर्जुन अवार्ड, सीजी थॉमस, वो अच्छा बिहेव भी है इसके। मैंने 2000 मैं हैदराबाद में थे, मैं सिकंदराबाद सेंटर में हूँ, मैं सांप के साथ रहता हूँ, तो सांप का उठना बैठना खाना पीना सांप से देखा हूँ, और सांप एक जेनिन सांप करके है रोइंग अर्जुन अवार्ड, मैं EME का हूँ, सांप भी EME का है और सीजी सांप अपना थॉमस वो भी EME का, तो मैं उसे सीखा है, जो जो अच्छा खिलाड़ी है उसे सीखना है, तो मैंने बोल उसे सीखा, तभी जाके हम अच्छा थोड़ा रिजल्ट आ पाया, इंडिया थोड़ा खेल पाया, पार्टिसिपेट किया एशियन चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उन लोग की वजह से मैंने देख के गेम किया। तो आप लोग भी ऐसे रोल मॉडल हैं इंडिया में बहुत, तो उन लोग को देखा, जेम्स हो गया, चिंग चिंग हो गया और जितना भी है आर्मरास हो गया, और केनो में अच्छा अच्छा प्लेयर है सुनिन हो गया, गौरव हो गया, उन लोग से थोड़ा देखना है वो कैसे करता है, कैसे खाता है और क्या करता है, फोन करके भी जितना जो नेशनल में मिलता है तो उन लोग का बिहेवियर कैसा है उसे सीख के, और कैसे ट्रेनिंग करता है ये लोग और कैसे रेस लड़ता है नेशनल में, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। जो जो बच्चे है नया अभी कर रहा है गेम अच्छा करने वाला है, पैकिंग करने का उम्मीद है, मेडल आने वाला है अपना इसके लिए पैकिंग करने के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, एथलीट्स को इंस्पायर करने के लिए थैंक यू सो मच सर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, थैंक यू। और नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, so we are starting our today's session with saying
अदोहा बाय कबीर, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कभी परियाये मन ही की प्रतीत। कहते हैं कि मतलब अगर कबीर दास जी ने कहा कि इफ यू थिंक यू कैन तो यू विल, और इफ यू थिंक यू कांट तो यू कैन नॉट एनीथिंग इन लाइफ। मनोविज्ञान जो कि आज हमारा पूरा जो सेशन है साइकोलॉजी पर है, मनोविज्ञान इसी मन के बारे में हमें बताता है और हमें बताता है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एथलीट के लिए ट्रेनिंग डाइट जरूरी है, वैसे ही साइकोलॉजिकल एड जरूरी है, यानी कि मेंटल स्टेट, आपकी मेंटल स्टेट उतनी ही जरूरी है जितनी आपके लिए ट्रेनिंग और आपकी डाइट है। और इन्हीं के बारे में हमें आज विस्तार पूर्वक बताने आ रहे हैं डॉक्टर आशुतोष आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर एलएनसीपी त्रिवेंद्रम। इट इज माय ऑनर टू वेलकम यू सर, एंड आई इनवाइट यू फॉर द टुडेज सेशन ऑन साइकोलॉजिकल एड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस इन वाटर स्पोर्ट्स। वेलकम सर, एंड आई हैंड ओवर द सेशन टू यू सर। Thank you, Dr. Kiran. Good morning, all the dignitaries present here. So today we are going to discuss about. Just a minute, so that I can. I will share my screen now. सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फोन के क्लोज आके आप ध्यान से बैठ के सुनना है क्या सर बोल रहे हैं, आपकी साइकोलॉजिकल एड्स जो भी है। बच्चे पूरा फोन में पास आ जाइए स्क्रीन के और बैठ के आराम से सुनना है सब इंटरेस्ट के साथ। ओके, थैंक यू अंग्रेज सर। अंग्रेज, at the very outset, I would like to start from where our respected chief guest Subedar Yandappa Arambam left. He just said one thing, a very nice thing he has just mentioned. अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर आप positive mind के साथ खाओगे तो positive होगा, negative mind के साथ खाओगे तो negative होगा। So ये जो चीज है तो इसके बारे में जो आज हम discuss करें, आज का जो सेशन है, आज का जो है, तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या साइकोलॉजिकल एबिलिटीज हैं जो कि मतलब हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग इन गिविंग बेस्ट परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने मतलब गेम में या आपके कंपटीशन में। सो व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूट परफॉर्मेंस, हम इतना आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, हम आज बेसिकली आज के सेशन में ये जानेंगे कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उसको कैसे इन्हांस किया जाए, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, और जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जो नेगेटिव साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर्स हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर्स हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को कंट्रीब्यूट करता है एंड द नेगेटिव फैक्टर्स हमारे जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसको हम यानी कि हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्लाइड मैंने आपके आपके साथ शेयर किया है, बिगिनिंग योर जर्नी व्हेयर डू यू फिट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, ये जो है आप जो है ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए जानना जरूरी है बिकॉज यू ऑल आर आप लोग आगे चल के इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोग आगे चल के मतलब ओलंपिक्स में खेलेंगे, ओलंपिक्स से मेडल लाएंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल लाएंगे, तो आपको ये जानना चाहिए कि साइकोलॉजी आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है टू एनहांस योर परफॉर्मेंस। राइट, नाउ दिस इज साइकोलॉजिकल, सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग। ये साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग को आप लोग, ये कोई नया टर्म नहीं है, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, बट इसको आप अलग टर्म से जानते हैं, इसको आप अलग टर्म से जो किस टर्म से जानते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिपेरेशन। तो ये साइकोलॉजिकल प्रिपेरेशन क्या है, तो ये साइकोलॉजिकल प्रिपेरेशन इज नथिंग बट जो भी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, लाइक इमेजरी हो गया, लाइक आपका
थॉट फॉर्मेशन हो गया, लाइक थिंकिंग हो गया, ये सारे जो चीज है ना, ये जिसको हम लोग कंपटीशन में यूज करते हैं टू गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस। जैसे कि आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, आप जैसे कि कायकिंग, कैनोइंग या रोइंग के लिए जब जाते हैं, तो उससे पहले आप लोग बहुत टफ यानी कि बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये जो कड़ी मेहनत आप करते हैं, ये आपको आगे चल के स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाके आपको हेल्प करता है, सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। आप छोटे छोटे टेक्निक को परफेक्ट करके एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो सिमिलरली ये साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग या इन कॉमन वर्ड्स जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है, ये होता है द मेंटल प्रिपरेशन ऑफ द प्लेयर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है या जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है, ये आपका चलता रहता है, ये आपका शुरू होता है बिफोर द कॉम्पिटिशन। So before the competition, actually your psychological skill training or the psychological preparation begins, which continues during your competition and up to the post-competition time. ये बहुत सारे जो गलत फहमियां हैं, बहुत सारे जो मिसकंसेप्ट, ये सारे लोग जैसे कि साइकोलॉजी के बारे में जब भी कोई एथलीट के साथ बात करना चाहते हैं हम, या तो कोई इवन मैंने देखा है ज्यादा बहुत सारे कोचेस नहीं, मैंने खुद कोचेस को ये भी देखा है कि जब हम साइकोलॉजी के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो थोड़ा यू नो दे हेजिटेट, वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, वो लोग मतलब खुले में सामने आके ये उनका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उनका जो मेंटल एस्पेक्ट है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। क्या रीजन है, क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? जैसे कि कुछ एथलीट हैं वो बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो चार बॉक्स में मैंने जो चार सेंटेंस लिखा है, ये होते हैं जो एक मिसकंसेप्शन या गलत फहमी जो कि आज कुछ लोगों के दिमाग में या कुछ एथलीट्स के दिमाग में है। फर्स्ट वन क्या है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज फॉर प्रॉब्लम एथलीट्स ओनली। प्रॉब्लम एथलीट्स का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ एथलीट्स ऐसे सोचते हैं कि जो हमारा जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, ये ओनली प्रॉब्लम एथलीट्स के लिए चाहिए, सबके लिए जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम एथलीट्स का मतलब है जो एथलीट को थोड़ा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, कोई पर्सनैलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा या कोई इमोशनल रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, जिसको कोई एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, ओनली उसी को साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन या साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का जरूरत है, जो कि एक गलत फहमी है, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। सेकंड थिंग क्या है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज फॉर एलीट ट्रेनिंग ओनली। एलीट ट्रेनिंग का मतलब हमारे जो ओलंपिक्स रिप्रेजेंट करते हैं या जो सीनियर नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एलीट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि बहुत हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, लाइक ऑल द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, एशियन चैंपियनशिप। सो दिस इज ऑल्सो ए मिसकंसेप्शन, जो कि हम सोचते हैं साइकोलॉजिकल प्रिपेरेशन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर एलीट ट्रेनिंग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन प्रोवाइड्स क्विक फिक्स सॉल्यूशन। साइकोलॉजिकल जो ट्रेनिंग है, मैंने ये देखा है कि कोई कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे पास कोचेस आते हैं या ट्रेनीज आते हैं, बोलते हैं कि सर हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, हम कंसेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, हम लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, थोड़ा कुछ कर दीजिए। लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, दिस साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और द साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज नॉट ए क्विक फिक्स का मतलब ये कोई मैजिक नहीं है। जैसे कि हम लोग कोई हमारे पास आ गया, उसको 2 मिनट या 10 मिनट कुछ उसको उसके साथ बात कर लिए, कुछ ट्रेनिंग दे दी एंड ही हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है, दिस इज जैसे कि आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, आप वार्म अप करते हैं, आप स्ट्रेचिंग करते हैं, आप मतलब फिर टेक्निकल प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद लिम्बरिंग डाउन या कूल डाउन करते हैं, अगेन स्ट्रेचिंग करते हैं। सो दिस इज देयर इज ए प्रोसेस। सो सिमिलरली योर साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन या साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग इज ऑल्सो ए प्रोसेस, दिस इज नॉट ए क्विक फिक्स। ये कोई मैजिक नहीं है कि कोई भी एथलीट आ जाएगा और विद इन 5 or 10 minutes और इवन विद इन 1 session हम लोग कुछ जादू कर देंगे और आप लोग सही हो जाओगे। ये एक मिसकंसेप्शन है या एक गलत फहमी है। लास्ट वन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज नॉट यूजफुल। बहुत सारे ट्रेनीज, बहुत सारे जो हमारे कोचेस होते हैं, जैसे कि ग्रास रूट लेवल में स्पेशली जो उनके साथ जाके जैसे जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर हमारे पास साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं है। I understand they also have lot of things to achieve. उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, एथलीट्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है, ट्रेनिंग रहता है, बट यू नो somehow, somewhere, आप एक बार सोच लीजिए, साल भर आपने ट्रेनिंग किया है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है, आपके कोच ने आपको बहुत अच्छा बढ़िया एकदम ट्रेनिंग दिया है, मतलब नाउ यू आर रेडी फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप, आप एकदम श्योर हो कि आगे चल के जाके आपको ओलंपिक्स में मेडल लाना है। जस्ट इमेजिन आप स्टार्टिंग लाइन में हो और उसी टाइम पे एक
कुछ मतलब जब आप स्टार्टिंग लाइन पे हो ना, देयर शुड बी ओनली वन थिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड, फोकस एंड कंसंट्रेट। अगर आप उसी टाइम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, पूरा साल का जो जितना भी ट्रेनिंग था, जितना भी अच्छा आपने ट्रेनिंग किया है, वो लास्ट मोमेंट में जाके क्या होगा, वो सब बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज नॉट यूजफुल, जो कुछ हटाना चाहिए। सो ऑल दीज फोर आर यू नो आर मिसकंसेप्शन, और जिसको हम गलतफहमी बोल सकते हैं, ये जो चार सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है ये सही नहीं है। अभी आप मुझे पूछेंगे कि सर अभी हम लोगों ने क्या किया, नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव लर्नड व्हाट इज साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन क्या है? सो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज लाइक वी आर लर्निंग, हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है उसको हम सीखते हैं, टू सो दैट इट कैन बी अप्लाइड ड्यूरिंग द गेम, बिफोर द गेम एंड आफ्टर द गेम। ठीक है, और ये जो क्या मिसकंसेप्शन, आई मीन व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस दैट आर अटैच्ड टू द साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा है कि जो मिसकंसेप्शन है, जो गलत फहमी है साइकोलॉजी टुवर्ड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड। तो अभी हम लोग नाउ विल मूव ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। जी मैं ये स्लाइड मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला है एज द फोर्थ स्लाइड, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन आपको आगे चल के कैसे हेल्प करेगा, तो आपको फिर कोई फायदा नहीं है। मैं आपको जितना भी सिखा लूँ, जितना भी समझा लूँ, आई मीन देयर इज नो यूज। सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बिफोर वी प्रोसीड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो रिलैक्सेशन टेक्निक्स और different types of psychological training techniques, we need to know components of psychological preparation. The first importance is बोला है कि आप जो physical training करते हैं सुबह शाम, you know there are some athletes who go for 3 sessions in a day. कुछ athletes कुछ rower relax होते हैं जो कि 3 ट्रेनिंग करते हैं। तो मेंटल ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज फिजिकल ट्रेनिंग, का मतलब ये है कि जैसे इम्पोर्टेंट फिजिकल, सो आपको मेंटल ट्रेनिंग को भी इम्पोर्टेंट देना चाहिए। सो माइंड ट्रेन्स द बॉडी हेंस फॉर हाई लेवल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। जो माइंड है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो माइंड एक्चुअली बॉडी को ट्रेनिंग कराता है। सो जितना आपका माइंड टफ होगा, जितना आपका माइंड पॉजिटिव होगा, मेंटल टफनेस जितना हाई होगा, उतना सही तरह टफ परफॉर्मेंस है आप उसको डील कर पाएंगे। अगर आप मेंटली टफ नहीं है, तो डेफिनेटली आप आगे चल के जब हाई लेवल आपके जो परफॉर्मेंस है, इट्स द प्लेयर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कंपटीशन। जब कंपटीशन में जाते हैं, कंपटीशन आप मतलब आप सब लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, क्योंकि ऑल आर यू नो एलीट परफॉर्मर्स प्रेजेंट हियर। ये चीज जो कंपटीशन डिमांड, इसको फील किया होगा। व्हेन फॉर ए कंपटीशन, कंपटीशन में तरीका का जो चैलेंज होता है, मतलब कंपटीशन होता है, जो होते हैं, सो ये सब होते हैं, हम इसको हम बोलते हैं द डिमांड्स ऑफ द कंपटीशन। तो आप अगर सही तरीके से साइकोलॉजिकल स्किल को, मतलब कंपटीशन में जाने से पहले अगर आपको साइकोलॉजिकल स्किल्स सब मालूम है, तो अगर आपको साइकोलॉजिकल स्किल्स पता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कंपटीशन चाहे आपसे कितना भी डिमांड करे, आपको कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करे, बाय यूजिंग दिस कंट्रोल इट एंड यू कैन फोकस कंप्लीटली ऑन द कंपटीशन। राइट, नेक्स्ट थिंग, इट हेल्प्स द प्लेयर टू डील विद नेगेटिव इमोशंस लाइक एंग्जाइटी, फियर ऑफ कंपटीशन एंड अरोजल। सो ये जो सेंटेंस है, इसको हम आगे चल के जाके अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि कैसे नेगेटिव इमोशंस लाइक एंग्जाइटी, फियर ऑफ कंपटीशन, अरोजल, ये सारे जो ये जो तीन चीजें मैंने बोला है ऑन योर स्लाइड, एंग्जाइटी, फियर ऑफ कंपटीशन एंड अरोजल, ये सारे जितने भी हमारे प्लेयर्स अभी यहाँ पे बैठे हैं, सब लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा या जो भी हो, व्हाटएवर मैग्नीट्यूड इट इज इट मे बी, इन्होंने कभी ना कभी ये तो एक्सपीरियंस किया होगा कि एंग्जाइटी क्या, एंग्जाइटी कैसा होता है, फियर ऑफ कंपटीशन कैसा होता है, और अरोजल कैसा होता है। ठीक है, सो दिस पॉइंट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। इट हेल्प्स द प्लेयर टू डेवलप क्वालिटीज लाइक डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस,
सेल्फ अवेयरनेस, कंट्रोल, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, विल पावर एटसेट्रा. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू रिजॉल्व इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू इंप्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द टीम एंड द कोच. देखिए ये जो पॉइंट है, जो सेकंड लास्ट, ये इसमें तो 100% साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट आता है, और इसके बारे में एक कोच को ध्यान देना चाहिए. क्योंकि देखिए आगे आप क्या करते हैं ना, यू डील विथ नॉट ओनली वन इंडिविजुअल. ये मेरे जितने भी रेस्पेक्टेड कोचेस हैं यहाँ पे, उनको ये मेरा कहना है कि आप जब डील करते हैं अपने एथलीट्स के साथ, आप क्योंकि आप कोई इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करते हैं, आपको ये चीज केयरफुली देखना पड़ा. यू आर और कैसे एक टीम कैसे होती है, इंडिविजुअल को पांच सात आठ इंडिविजुअल को लेके एक टीम बनता है. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके बीच रिलेशन कैसा है, उनके बीच डू दे ट्रस्ट ईच अदर, डू दे रिलाई ऑन ईच अदर. वो आप उनके साथ, उनके जितने भी एथलीट हैं आपके अंडर, एक टीम में जितने भी एथलीट हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है और आपके साथ और उनका क्या रिलेशन है, ये चीजों को आपको बहुत देखना चाहिए. अगर इस विल If there is any problem, you will have to immediately, आपको immediately जाके psychologist का help लेना चाहिए और you get out at the earliest possible. तो it helps the athlete to learn mental skills. ये जो psychological preparation है, ये psychological preparation क्या करेगा? Sorry, ये psychological preparation क्या करेगा कि आपके जो athlete हैं या जितने भी हमारे athletes हैं या जो players, उनको क्या करेगा कि डिफरेंट मेंटल स्किल सिखाएगा, जो कि वो आगे चल के अपने कंपटीशन में इन डे लाइफ में यूज कर सकते. फिजिकल ट्रेनिंग में या कोई भी आपका ट्रेनिंग है आपके, सॉरी उसका एक प्रीकम्स रहता है, तीन फेज करते हैं. ये जो सेशन है ये हमारे एक मतलब गेम से पहले जाके साइकिलिस्ट को देते हैं, या जाके कोच को पूछ रहे हैं सर मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, मुझे बड़ा यू नो डर लग रहा है, तो मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं होता है. हम लोग क्या करते हैं, गेम के टाइम पे एक एथलीट वहां पे क्या कर रहा है, कैसे उसको डील करना है, उसको प्रेशर को कैसे डील करना है, टेंशन को कैसे डील करना है, एंजाइटी को कैसे डील करना है, तो ये सारे चीजें हम उसको पहले से ही सिखाना चाहिए. तो पहले जब सिखाना है तो इसका डिफरेंट फेजेस होते हैं. जो पहला फेज है उसको बोलते हैं हम प्री कॉम्पिटिशन फेज, दूसरा फेज है उसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिशन फेज, तीसरा है पोस्ट कॉम्पिटिशन फेज. क्योंकि इफ यू रिमेम्बर पहला स्लाइड में मैंने आपको बोला था कि साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज During the competition, before the competition and post the competition. So similarly, हम लोग यहाँ पे long term जो psychological preparation है, यहाँ पे pre-competition phase, competition phase and post-competition phase. तो pre-competition में phase में हमारे तीन stage हैं. पहला stage में क्या होता है, psychodiagnosis. Psychodiagnosis का मतलब ये है कि हम लोग एक different psychological test use करके हम लोग पता करते हैं. जैसे कि आप अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या आपको बोलेगा कि सबसे पहले बोलेगा कि आप ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, चार पांच टेस्ट आपको लिख के देगा करने करके आने के लिए. जब आप वो चार पांच टेस्ट करके लाएंगे, वो टेस्ट का जो वैल्यू है या वो टेस्ट का जो रिजल्ट है उसको वो मतलब केयरफुली एनालाइज करेंगे, देन उसको एनालाइज करने के बाद देन ओनली यू विल बी गिवन सम मेडिसिन. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही है. यहाँ पे क्या होगा, साइकोडायग्नोसिस होगा. साइकोडायग्नोसिस का मतलब है सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे कि दे विल ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज द प्रॉब्लम लाइंग, किस एरिया में आपको काम करना पड़ेगा, किस एरिया में आपको वीकनेसेस है. ठीक है, तो स्टेज टू क्या है, साइकोलॉजिकल रिकमेंडेशन. तो साइकोलॉजिकल रिकमेंडेशन का मतलब क्या है, आपको जैसे कि आपका वीकनेस पता चल गया, अब आपको ट्रेनिंग बताएंगे कि ये अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आपको क्या ट्रेनिंग करना चाहिए, अगर आपका डिटर्मिनेशन लेवल लो है तो आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल हाई है तो उसको क्या करना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स विल गो अंडर योर स्टेज टू. स्टेज थ्री में आके क्या होगा, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन. इसमें क्या होगा, आपको आपका प्रॉब्लम बता दिया गया, आपको आपका टेक्निक बता दिया गया कि उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे. अभी क्या होगा कि आप उसको
अच्छे से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करेंगे और जितना भी स्किल्स आपको बताया गया है आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर ये जो तीन स्टेज है, आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है पता करना, दूसरा साइकोलॉजिकल टेक्निक क्या है आपको बताना, तीसरा क्या है उसको प्रैक्टिस करना, उसको सीखना। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स विल बी डन ड्यूरिंग योर प्री कंपटीशन फेज अलोंग विथ योर फिजिकल ट्रेनिंग। मैं कभी ये नहीं बोलता कि साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन या साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। जैसे कि मैं कभी ये नहीं बोलता कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मतलब फिजिकल ट्रेनिंग को हम हटा के पूरा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देते हैं और हम मेडल ले आए, ठीक है। द साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज ए बोनस, राइट, ए बोनस टू योर फिजिकल ट्रेनिंग। So whenever you are doing without physical training, you will never get a medal, that is for sure. But along with, if you add psychological preparation or psychological skill training along with your physical training, that will contribute, और ये आपको contribute करेगा और आपको help करेगा to achieve medal in a better way. ठीक है, मैं बस मेरा बोलने का मतलब ये था यहाँ पे। तो long term psychological preparation है, pre competition phase हो गया, आपको आपका problem पता चल गया, क्या एक्सरसाइज करना है पता चल गया। थर्ड है आपको इसके बारे में अभी उसको मास्टरी करना है या उस टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस करना है। तो आप जब कंपटीशन फेज में पहुंचेंगे, राइट, आपका जब कंपटीशन फेज शुरू हुआ तो यहाँ क्या होगा, आपको जो जो प्रॉब्लम्स पहले था उसके बारे में उसको सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइजेस पहले से प्रैक्टिस कराया गया है, ठीक है। नाउ यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड ऑल दोज स्किल्स दैट यू हैव दैट हैज बीन suggested to you by the psychologist. अभी जो present competition phase आएगा, इस phase में आप क्या करेंगे, जो psychological techniques आपने सीखा है in past, you are going to use those techniques in during the competition. क्योंकि competition के time पे आप जब पानी में होंगे, when you are going for rowing, kayaking or canoeing, when you are on water, आपके साथ आपका coach नहीं होगा, आपके साथ आपका साइकोलॉजिस्ट नहीं होगा, आपके साथ आपका ट्रेनर नहीं होगा। उस टाइम पे यू आर द वन, आप ही आपके ट्रेनर हो, आप ही आपके कोच हो, आप ही आपके साइकोलॉजिस्ट हो। सो ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द कंपटीशन, आपको सेल्फ रेगुलेशन यानी कि खुद के ऊपर खुद का जो भी प्रॉब्लम है, जितना भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कैसे, हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू डील विथ इट, हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू कंट्रोल द डिस्ट्रैक्शंस, ये आपका रहेगा कॉम्पिटिशन फेज में, ठीक है। तो ये आपका जो प्री कंपटीशन फेज हो गया, कंपटीशन फेज हो गया। नाउ अभी लास्ट है पोस्ट कंपटीशन फेज, यानी कि जो आफ्टर द कंपटीशन, जैसे कंपटीशन आपका हो गया, कंपटीशन खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, अभी आफ्टर द कंपटीशन क्या है, जाके आप बैठेंगे, कोच साहब बैठेंगे और जो आपके जो ट्रेनर या साइकोलॉजिस्ट है वो बैठेंगे, तीनों बैठ के आपके साथ ये मतलब अच्छे से ये डिसाइड करना है कि आपका प्रॉब्लम क्या था, ट्रेनिंग आपने क्या यूज किया, और गेम के दौरान या मतलब आपका जो कंपटीशन के दौरान आप कितने अच्छे तरीके से, कितने हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू यूज द साइकोलॉजिकल टेक्निक दैट हैव बीन टॉट यू। सो ये जो चीजें हैं, ये होता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन और द पीरियडाइजेशन फॉर द साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, आई मीन द लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो ये शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ यू नो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन हुई, इंक्लूड्स जिसमें जनरल प्लानिंग रहता है, जो इमीडिएटली आपको गेम से पहले आपको हेल्प करता है, या ड्यूरिंग, जैसे कि आपको ये चैंपियनशिप के लिए जाते हैं जो कि एक दिन में खत्म नहीं होता है, आपको दो तीन दिन चार दिन वेट करना पड़ता है, तो उस दौरान आपको साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कैसे रहना चाहिए, आपका जो मेंटल सेट या पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आपको कैसे मेंटेन करना है। सो ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली जैसे जब हमारे जो इलीट जो रोअर्स हैं, कायक्स हैं, कैनोइंग के प्लेयर्स हैं, वो जब जाते हैं, व्हेन दे गो फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप व्हिच इज कंडक्टेड यू नो एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि जो हमारे यूएस में कंडक्ट होता है या ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट होता है या साउथ अफ्रीका में कंडक्ट होता है, तो तभी क्या होता है ना, हमें ट्रैवल करना पड़ता है एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसका भी इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर रहता है। तो उसका जो कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब व्हाट इज द इमीडिएट सोल्यूशन, मतलब जो गेम से पहले हम किस तरह का साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग उनको देना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, ठीक है। अभी हम लोग एक्चुअली शुरू करेंगे कि जो क्या डिफरेंट टेक्निक्स है जो हम यूज कर सकते हैं टू यू नो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड टू फोकस इन द मैक्सिमम और टू गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। ये जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपके स्लाइड पे आपके सामने, अभी ये जो एंग्जाइटी के बारे में सब लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत सब लोग जानते होंगे। तो एंग्जाइटी क्या होता है, ये कोई पॉजिटिव स्टेट नहीं है, दिस इज नेगेटिव।
क्या होता है, एकदम एंग्जियस हो, एंग्जायटी, ये जो ये जब भी आपका डिफरेंस आता है बिटवीन द सिचुएशनल डिमांड और आपका जो खुद का एबिलिटी, अगर मेरे पास, अगर आप जस्ट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मेरे पास 100 रुपए है, आप मुझे 50 रुपए मांगेंगे तो मैं आपको दे सकूंगा, आई मीन आई विल बी एबल टू, इफ आई हैव 100 रुपीज एंड यू आस्क मी फॉर 50 रुपीज, आई विल बी एबल टू गिव यू बैक, बट मेरे पास अगर 100 रुपए है, 100 रुपीज या 150 रुपीज, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे दिमाग में आएगा कि यार मेरे पास तो 100 रुपए है, वो तो मुझे 150 रुपए मांग रहा है, तो बाकी 50 रुपए में कहाँ से आऊंगा? सो ये क्या होगा ना, दिस विल क्रिएट ए नेगेटिव स्टेट ऑफ इमोशन इन माय माइंड, नेगेटिव स्टेट ऑफ यू नो लाइक एंग्जाइटी इन माय माइंड और स्ट्रेस इन माय माइंड. तो ये अगर एग्जाम्पल मैं आपको स्पोर्ट्स में लेके जाऊं, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप स्टार्टिंग ब्लॉक में बैठे हैं, आप हैं, आपके साइड में ऑस्ट्रेलियन टीममेट है, उसके साइड में चाइना का है, उसके साइड में यूएस का है, right? So all these three teams, all these four teams, you know, at the very moment when you see all those people, you start thinking about their performance. तभी क्या होता है, मतलब आप उनके performance के बारे में सोचने लगते हैं, आप ये सोचते हैं यार ये तो बहुत अच्छा prepare करके आए, ये तो बहुत अच्छा, ये तो medal ले लेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो तभी क्या होता है, आपके दिमाग में सारे negative emotions accumulate होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तभी आप ये सोचते हैं कि मेरा एबिलिटी नहीं है या मेरा एबिलिटी नहीं है टू गेट द गोल्ड मेडल, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका एबिलिटी मेरे से बेटर है, मेरे से अच्छा है, मतलब मेरे से बेहतर है, ठीक है? तो जब ये शुरू हो जाता है आपके दिमाग में, तो देन यू गो अंडर ए कंडीशन जिसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी, कुछ लोग स्ट्रेस बोलते हैं, कुछ लोग उसको प्रेशर बोलते हैं, कुछ लोग उसको टेंशन बोलते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स आर, ये जितने भी चीज मैंने यहाँ पे बताया कि जो एंग्जाइटी होता है, दिस इज ए नेगेटिव स्टेट ऑफ इमोशन, जो कि जब आप एंग्जियस होते हैं, आप नर्वस फील करते हैं, आप वरीड हो जाते हैं, आप डर जाते हैं, आपके मन में डाउट आ जाता है रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस, और ये सारे चीजें यू नो एक्युमुलेट होके आपके परफॉर्मेंस को नीचे लाते हैं, क्योंकि आपका फोकस चेंज हो गया. आप खुद के परफॉर्मेंस के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए था, आपको ये फोकस करना चाहिए था कि आप कैसे अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओगे और मेडल ले पाओगे, पर आपके दिमाग में क्या आ गया कि उसका परफॉर्मेंस मेरे से बेहतर हो सकता है, वो बहुत अच्छे टीम है, वो वर्ल्ड यू नो रैंक 1 के टीम है. तो ये जो सारे चीज है आपके दिमाग में आ गया है, और ये जब आता है, दिस इज कॉल्ड एज एंग्जाइटी, और ये आपके परफॉर्मेंस को नीचे लेके जाएगा. तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हाउ टू कंट्रोल ऑल दिस एंग्जाइटी? तो ये जो दो चीजें, यू नो एंग्जाइटी दो तरीके से होते हैं, हाँ ये भी जाना आपको जरूरी है. दिस स्लाइड में मैंने जो बताया कि ट्रेड एंग्जाइटी एंड स्टेट एंग्जाइटी, ट्रेट एंग्जाइटी क्या होता है कि कुछ लोग, आपने देखा होगा कि आपके जो टीम में है या जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके साथ जो भी वाटर स्पोर्ट्स के हमारे एथलीट्स हैं जो कि आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से आपके दोस्त में से आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं कि बाई बॉर्न एंग्जियस होते हैं, राइट? कुछ भी छोटे छोटे चीजें आते हैं, जैसे कि वो डर जाते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं कि क्या करना है एकदम लाइफ में जनरली. जैसे कि किसी ने अगर बोल दिया कि कल सुबह एकदम बहुत तगड़ा ट्रेनिंग होने वाला है, एकदम टफ ट्रेनिंग होने वाला है, तो उससे भी डर जाते हैं. सो ये जो ट्रेट एंग्जाइटी है, ये उनका पर्सनालिटी का एक कैरेक्टर है, मतलब एक पर्सनालिटी का उनका नेचर, उनका एक नेचर है दिस जो ट्रेट एंग्जाइटी है. सो दिस ट्रेट एंग्जाइटी, यू नो, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी मॉडिफाइड, बिकॉज़ दे आर इन योर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई. बट वेयर अ स्टेट एंग्जाइटी क्या है, ये स्टेट एंग्जाइटी रिलेटेड सिचुएशन, जो भी सिचुएशनल रिस्पॉन्स है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, या एक पर्टिकुलर जो गेम सिचुएशन में आपका लेवल ऑफ एंग्जाइटी कैसा हो, कितना होता है, ये होता है आपका स्टेट एंग्जाइटी. स्टेट मतलब ये एक कोई सिचुएशन, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका लेवल ऑफ एंग्जाइटी क्या होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेट एंग्जाइटी, राइट? ये जो ग्राफ, ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर है अभी, so to see, to understand the relationship between the arousal and performance, to understand the relationship between the arousal and anxiety and performance, you need to understand this. जैसे कि आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तीन एथलीट है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एथलीट ए, एथलीट बी एंड एथलीट सी, राइट? तो पहला एथलीट क्या है, gives the best performance in the zone, और नीचे जो लिखा है state anxiety level, तो आप जब left से right जाते हैं तो आपका जो level of anxiety है धीरे 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 बढ़ता जाता है. तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे athlete A, athlete B and athlete C लिखा है, और
यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए एथलीट ए का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस कब देता है वो जब लेवल ऑफ एंजाइटी लो है, राइट। एथलीट बी के पास आइए, एथलीट बी गिव्स हिज बेस्ट परफॉर्मेंस जब उसका लेवल ऑफ एंजाइटी मीडियम है, राइट। और एथलीट सी गिव्स हिज बेस्ट परफॉर्मेंस व्हेन लेवल ऑफ एंजाइटी हाई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरे जो भी रेस्पेक्टेड कोचेस हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट है, यू हैव टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हर इंडिविजुअल का जो लेवल ऑफ जो अरोजल है या लेवल ऑफ एंजाइटी है उसको कोरिलेट करना पड़ेगा उस टुवर्ड्स विथ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। जब वो उनका कोई भी एथलीट ऐसे होंगे जो कि जब एकदम कम प्रेशर में होते हैं, कम टेंशन या कम एंजाइटी में होते हैं, वो तभी जाके उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। तो ऐसा एथलीट अगर है तो आपको बहुत सारा बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ भी करके बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल मींस आपको उसका जो लेवल ऑफ एंजाइटी है उसको लो रखना पड़ेगा। ये जो एथलीट ए केस में ए टाइप का बंदा है तो आपको यू हैव टू टीच हिम डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो एथलीट बी जो है ये जब उसका सेट ऑफ या जो लेवल ऑफ एंजाइटी है कि जो मीडियम लेवल का जब होता है तभी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, एंड एथलीट सी उसका जब हाई होता है तभी जाके अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मेरा कहने का मतलब है यानी कि जो डायग्राम में दिखा गया है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आपको ये कभी नहीं करना चाहिए कि एक एथलीट मतलब एंजाइटी है तो उसको बस करो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि उसका जो लेवल ऑफ एंजाइटी है उसका उसके परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर है। You have to find a correlation between the level of anxiety or the level of arousal with the level of achievement of an individual. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एथलीट है जो कि लो लेवल ऑफ एंजाइटी में अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो आपको उसी के हिसाब से साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कराना है। अगर आपको लगता है कि कोई एथलीट आपको जब उसका एंजाइटी ऑप्टिमम होता है तभी जाके अच्छा परफॉर्मेंस देता है, then you have to give the training accordingly. अगर आपको हाई परफॉर्मेंस मतलब हाई लेवल ऑफ एंजाइटी में कोई बेस्ट परफॉर्मेंस देता है देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव देम सम काइंड ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं साइकिंग अप स्ट्रेटजीज, यानी कि उनका जो लेवल ऑफ एंजाइटी है उसको कैसे यानी लेवल ऑफ एक्टिवेशन उसको कैसे इंप्रूव करना है। दीज आर यू नो डिफरेंट एंग्जाइटी रिडक्शन टेक्निक्स। ये इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये जो चीज है मैंने ये बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप अगर साइकोलॉजिकल टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे या तो साइकोलॉजिकल जो लिटरेचर है उसको पढ़ेंगे तो नॉट ओनली दीज सिक्स टेक्निक्स देयर आर मेनी टेक्निक्स व्हिच यू कैन यूज फॉर रिडक्शन ऑफ एंजाइटी और रिडक्शन ऑफ यू नो अरोजल। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ये छह यूज किया है और ये छह आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि ऑल दीज थिंग्स except the last one, all these things you can practice or an athlete can practice on his own, right? So, सबसे पहले हम discuss करेंगे progressive muscle relaxation. Progressive muscle relaxation क्या है? Progress का मतलब क्या है? Step by step जाना, right? One after other, एक के बाद एक जाना. तो ये progressive muscle relaxation में हम क्या करते हैं? कि वही हम लोग each and every muscle, starting from toe, हमारे toe muscle, then our cuff muscle, then you know hamstring muscle, quadriceps muscle, lower back, abdomen, then chest muscle, both the arms, then neck, chin, head, face. तो ऐसा करके जितना भी हमारे muscles हैं हमारे body में, we go about relaxing each and every muscle one by one, right? तो इसको बोलते हैं progressive muscle relaxation. इसका जो different steps हैं, this is in detail. इसका एक you know decided pattern है. हम कैसे उसको ईच एंड एवरी मसल को रिलैक्स करेंगे तो दिस इज अबाउट योर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। नेक्स्ट वन इज ब्रीथ कंट्रोल। ये ब्रीदिंग कंट्रोल इज वेरी मच नेसेसरी। दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज यू नो जिसको हम यूज करके वी कैन कंट्रोल द एंजाइटी। ब्रीदिंग आपको जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग चेस्ट ब्रीदिंग, दूसरे को बोलते हैं हम लोग एब्डोमेन ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये जो चेस्ट ब्रीदिंग जो होता है, चेस्ट ब्रीदिंग तभी होता है जब व्हेन एन एथलीट इज एंग्जियस और व्हेन एन एथलीट इज वरीड। जब वरीड में रहता है, जब एंग्जाइटी उसमें ज्यादा होता है, जब लेवल ऑफ अरोजल उसमें ज्यादा होता है, जब स्ट्रेस है, क्या होता है ना, द लेवल ऑफ यू नो फ्रॉम द चेस्ट। तो ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है फॉर ए कोच और फॉर ए ट्रेनर। व्हेन योर एथलीट इज फीलिंग ब्रेथलेस और व्हेन योर एथलीट इज ब्रीदिंग फ्रॉम द चेस्ट, then you should understand this is a sure, you know, I mean 100% indication that your athlete is under a lot of stress or there is something going on in his mind. So immediately what you can do is you can ask him to convert his, you can ask him from the chest to
to the abdomen breathing. Take a deeper breath and take a deeper breath so that the abdomen muscle or the diaphragm is pushed down, and you, instead of breathing from the chest, you start breathing from the abdomen. So this is what is breathing control. That means when an athlete understands, or when a coach understands that athlete is going under stress, is under a lot of stress, then he can ask his athlete to go for abdomen breathing. Then biofeedback जो टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे डिफरेंट मसल के बारे में फीडबैक लेते हैं. किससे? हमारे जो डिफरेंट बॉडी का जो डिफरेंट मसल्स है, इसमें इलेक्ट्रोड्स जो कनेक्ट करके राइट इसको हम डिस्प्ले करते हैं ऑन कंप्यूटर. तो कंप्यूटर में देख के हमें पता चल जाता है कौन सा मसल टेंस्ड है, कौन सा मसल स्टिफ है, किस मसल को हमें रिलैक्स करना जरूरी है. सो दिस बिकम्स मोर साइंटिफिक, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारे बॉडी में ये मसल में हमें टेंशन है और ये मसल हमारा स्टिफ है, इसको हमें रिलैक्स कराना है और इसको हमें कोई भी टेक्निक यूज करके इस मसल को जो टेंशन है उसको रिड्यूस करना है. तो ये है बायोफीडबैक. ऑटोजेनिक ट्रेनिंग अगेन क्या होता है कि एक जो इसमें ये जो ट्रेनिंग है, इसमें ईच एंड एवरी एथलीट को ये सिखाया जाता है कि कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द मसल. जैसे कि हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो एथलीट को समझ में आ जाता है कि हमारे जो बॉडी है कुछ इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं, जो जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारे जो कौन सा मसल हमारे बॉडी पार्ट में, या कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो विच इज टेंस्ड, विच इज विच नीड्स रिलैक्सेशन, सो दैट हम लोग आगे चल के उसका रिलैक्सेशन टेक्निक्स उस पर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड लास्ट वन इज हिप्नोसिस. सो ये जो एंजाइटी रिडक्शन टेक्निक्स है, लाइक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग कंट्रोल, बायोफीडबैक, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, हिप्नोसिस, सी ऑल दीज ट्रेनिंग्स, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड. और इसके बारे में ईच एंड एवरी, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई कैन टेक अनदर क्लास, मे बी सम अदर टाइम, फॉर ईच एंड एवरी एंजाइटी रिडक्शन टेक्निक, बिकॉज दिस हैज टू बी टॉट टू द एथलीट, दिस हैज टू बी मास्टर्ड बाय द एथलीट. इट्स नॉट कि आज बोल दूंगा आप लोगों को कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन क्या है, बायोफीडबैक क्या है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग क्या है, और जाके आप इमीडिएटली आपके स्पोर्ट्स में यूज कर देंगे. नहीं, आपको ये चीज ना प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा फॉर सम टाइम. यू हैव टू गेन मास्टरी ओवर इट. आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके, इसको एकदम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके इसके ऊपर मास्टरी लाना है, सो दैट आगे चल के इसको यूज कर पाएंगे इन स्पोर्ट्स. तो yeah, next thing is imagery. Imagery is actually a form of simulation. It is similar to the real sensory experience, but the entire experience occurs in the mind. ये जो imagery है, इस imagery में क्या होता है कि imagery में हम लोग image करते हैं. इमेज क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एन एग्जांपल, सपोज वी आर प्रैक्टिसिंग सम स्किल, जब तो हम उसी स्किल को, वी इमेज, वी क्रिएट एन इमेज, हम लोग हमारे दिमाग में उसी स्किल के बारे में एक इमेज क्रिएट करते हैं. जैसे कि आप मूवी देखते हैं, जैसे कि आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर्स में, और मूवी आई मीन सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज ऑफ योर गेम एंड स्पोर्ट्स इज प्लेड इन योर माइंड. आपके जो टेक्निक है, आपके जो मूवमेंट्स हैं, या आपके जो स्किल्स हैं, इसके बारे में आप खुद का जो टेक्निक है, खुद का जो स्किल है, उसके बारे में आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्म करते हैं. राइट, जो इमेज फॉर्म करके आप उसको आप देखते हैं कि आई एम परफॉर्मिंग लाइक दिस, मुझे हाथ ऐसे रेज करना है, पैडल ऐसे रेज करना है, पैडलिंग ऐसे करना है, लेग मूवमेंट ऐसे करना है. यू गो ऑन थिंकिंग अबाउट इट. राइट, और जब आप ये इसके बारे में सोचते हैं, तभी क्या होता है कि यू लर्न सो मेनी थिंग्स. तो इमेजरी हम क्यों यूज करते हैं, वाई, आई सपोज इमेजरी के बारे में आपको समझ में आ गया. इमेजरी इज नथिंग बट जस्ट आपके खुद के परफॉर्मेंस के बारे में सोचना, और आपके खुद के परफॉर्मेंस का एक मेंटल पिक्चर बनाना, और उसके बारे में सोचना, और उसके बारे में देखना, सो दैट यू जस्ट सी योर सेल्फ परफॉर्मिंग, आप खुद के सामने परफॉर्म करते हुए देख सकें. राइट, सो इमेजरी इज नथिंग बट क्रिएटिंग द इमेज, और क्रिएटिंग द पिक्चर ऑफ योर स्किल्स, ऑफ योर टेक्निक्स, और योर मूवमेंट्स इन योर माइंड. ये होता है इमेजरी. तो हम बेनिफिट्स ऑफ इमेजरी, हम इमेजरी क्यों करें. राइट, इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन. यस, ये कैसे कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर imagine, you need to focus on so many things. You need to, otherwise, if I ask all of you to just create an image how you paddle,
how you go for pedaling, then I'm 100% sure that every individual that sitting here today or attending this class will create a different image, or how exactly you are able to create an image will be also different, right? एक स्विमर को एक बार पूछा गया था कि हाउ डू यू फील व्हेन यू आर इमेजिंग ए टेक्निक और व्हेन यू आर इमेजिंग ए स्विमिंग टेक्निक इन योर माइंड. सो सी सेड, उसने ये बोला था कि जब मैं अपना जो स्विमिंग टेक्निक है उसको इमेज करता हूँ या उसके बारे में मैं कोई मेंटल पिक्चर क्रिएट करता हूँ, आई कैन इवन फील द कोल्डनेस ऑफ वाटर ऑन माई स्किन. आप इससे अंदाजा लगाइए कि इमेजरी जो है वो कितना हद तक जा सकता है और कितना लेवल तक आप उसको इमेज करके कितना एग्जैक्टली आप रियल लाइफ सिचुएशन आपके दिमाग में क्रिएट करते हैं. तो इतना ये जितना रियल लाइफ इमेज आपके दिमाग में क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, आपको उतना ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको उतना ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट? तो आप ये जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं आपके दिमाग में, ये इमेजरी को यूज करके आप कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं. एनहांसेस मोटिवेशन, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, देन इट कंट्रोल्स इमोशनल रिस्पॉन्सेस. इमोशनल रिस्पॉन्सेस का मतलब ये है, यहाँ पे इमोशनल रिस्पॉन्सेस लाइक नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स लाइक यू नो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर ऑफ फेलियर, योर अग्रेशन, सो ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो कैन बी कंट्रोल्ड. इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई यूज ऑफ इमेजरी. Prepare for competition, cope with pain and injury. See, the last point which I would like to discuss with you all. मैंने सबसे पहले आपको इससे पहले आपको बोला है कि psychological preparation cannot be, you know, or psychological training cannot be a replacement for the you know physical training. That is one thing that you have to keep in mind. सबसे पहले. And next thing is, अगर कोई athlete injured होता है, राइट, जैसे कि आपको अगर हैमस्ट्रिंग इंजरी लग गया या आपको कोई शोल्डर में कोई एकदम तगड़ा इंजरी लग गया, यू नो, सो दैट यू आर नॉट एबल टू डू प्रैक्टिस, यू आर नॉट इवन एबल टू मूव, तो तभी क्या होता है, तभी आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं टू टेक प्रॉपर रेस्ट, सो दैट यू नो यू आर आउट ऑफ वाटर फॉर लेट्स से फॉर 15 डेज एटलीस्ट और फॉर 20 डेज एटलीस्ट. अगर आप कुछ भी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, सीधा जाके वहाँ पानी के बाहर आप बैठे रहेंगे और देखेंगे आपके एथलीट को और आपके फ्रेंड्स को ट्रेनिंग करते हुए, सो दैट इज गोइंग टू यू नो सेंड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, बिकॉज यू मे थिंक दैट माय फ्रेंड्स आर एबल टू डू द प्रैक्टिस ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंजरी आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन देम. तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप इस इंजरी को डील करने के लिए या पेन को डील करने के लिए क्या होता है, जब आप फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हो, सो दैट टू मेंटेन or not to allow yourself or to not to allow the loss of all those benefits that you have gained earlier. आपको इससे पहले जो benefit मिला है इसको कैसे मतलब loss ना किया जाए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये technique use करना पड़ेगा, imagery use करना पड़ेगा. आप जब injured हो, you can make use of imagery. Imagery use करने से क्या होगा कि ये research करके ये पाया गया है कि अगर आप physical training के साथ imagery करते हैं, that is always good. अगर आप physical training नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप injury में हैं, अगर आप कोई rest ले रहे हैं, तो उस time पे क्या करना पड़ेगा आपको, yes, you are not able to do the physical exercise, but yes, you can always go for this imagery. राइट, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, अगर आप बंद हो जाएगा ओनली इमेजरी से क्या होगा कि आपका जो फिजिकल लेवल है वो मेंटेन नहीं रहेगा, बट द रिडक्शन ऑफ योर एबिलिटी व्हिच यू हैड अर्लियर विल बी लेस. ठीक है, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं आपको मिल सकता है इमेजरी यूज करके. बेनिफिट्स क्या है, इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, एनहांसेस मोटिवेशन, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कंट्रोल्स इमोशनल रिस्पॉन्स, मतलब नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स, एक्वायर प्रैक्टिस एंड करेक्ट स्पोर्ट्स स्किल्स, prepare for competition, cope with pain and injury. Next, goal setting. ये जो मैंने बहुत सारे athletes को देखा है कि ये बहुत सारे players को देखा है जिनके जिनका की सबसे बड़ा problem होता है goal setting का problem, मतलब उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनको करना क्या है, कैसे करना है वो तो बाद में, क्या करना है वो सबसे पहला जो चीज है, उनको ये बड़े कंफ्यूज होते हैं. स्पेशली हमारे जो टीनेज को, जो हमारे जो 10th से लेके 12th स्टैंडर्ड ये जो पीरियड होता है, इसमें बहुत सारे एथलीट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. क्यों कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज ये एक ट्रांजिशन फेज होता है, जबकि उनको उनका करियर भी देखना है, उनका जो एकेडमिक्स भी देखना है, एट द सेम टाइम उनको उनके स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना है, यू नो. तो इसलिए क्या होता है कि उनका जो गोल सेटिंग थोड़ा डगमगा जाता है, वो ज्यादा
फिक्सअप नहीं करना क्या है, हाउ शुड आई डील विथ ऑल दीज थिंग्स, मुझे क्या गोल सेट करना है जिंदगी, मुझे जिंदगी में मुझे करना क्या है। सो ये जो चीजें हैं, गोल सेटिंग किसको बोलते हैं कि जस्ट टू, जैसे कि हमारे जो लाइफ में या हमारे जो स्पोर्ट्स करियर में हम अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं, हम अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको फिक्स करके उसी के हिसाब से हमारा ट्रेनिंग को शेड्यूल करना, उसी के हिसाब से हमारा जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग को शेड्यूल करना, सो ऑल दीज थिंग्स को बोलते हैं हमारा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में क्या होता है कि वी नॉट ओनली से यू नो फिक्स अप ए गोल, हम एक गोल फिक्स करके ओनली हम गोल फिक्स नहीं करते हैं, हम उस गोल को कैसे अचीव करना है उसके बारे में भी हम लोग प्लान आउट करते हैं। सी देर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स, एक होता है प्रोसेस गोल्स, दूसरा है परफॉर्मेंस गोल्स, तीसरा है आउटकम गोल्स। ये इसके बारे में यू नो आपके स्लाइड पे जो लिखा है आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप स्पेशली फॉर माई एथलीट्स, फॉर माई प्लेयर्स जितने भी यहाँ पे हैं, यू लिसन व्हाट आई एम सेइंग, मैं आज आपको जो बोल रहा हूँ आप सुनिए पहले। जो प्रोसेस गोल्स हैं, प्रोसेस गोल्स हैं, आई मीन प्रोसेस गोल्स जो हैं, दिस इज नहीं, मैं सबसे पहले आपको आउटकम गोल्स के बारे में समझाऊंगा। आउटकम गोल्स क्या होता है कि आप अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हैं, मे बी यू नो गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप और मे बी गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, दैट इज योर अल्टीमेट एम और दैट इज योर अल्टीमेट गोल, दैट्स व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू अचीव, दैट्स द अल्टीमेट थिंग, सो दैट इज योर आउटकम गोल्स, राइट। It is, I mean, these outcome goals are considered to be the finishing line in a goal setting. That means ultimately आप करते हैं, ultimately करना चाहते हैं। For an example, मैं achieve करना चाहता हूँ a gold medal in world championship, right? Next होता है performance goal. Performance आपको performance goal का मतलब यह है कि जो छोटे छोटे goals हैं जो कि ultimately आगे चल के आपके outcome goals को achieve कराएगा, उसको बोलते हैं हम परफॉर्मेंस गोल्स। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे मतलब हर दिन इतने किलोमीटर मुझे पैडलिंग करना है, मुझे हर दिन इतना वेट ट्रेनिंग करना है, मुझे सी ऑल दीज थिंग्स आर योर परफॉर्मेंस गोल्स, लाइक व्हाट शुड बी योर परफॉर्मेंस एट द नेशनल लेवल, व्हाट शुड बी योर परफॉर्मेंस एट द स्टेट लेवल, व्हाट शुड बी योर परफॉर्मेंस एट द एशियन लेवल, व्हाट शुड बी योर परफॉर्मेंस एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, सो ऑल दीज थिंग्स आर योर परफॉर्मेंस गोल्स। क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस स्टेट लेवल पे नहीं दे पा रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट, सॉरी अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे पा रहे हैं तो आप स्टेट नहीं जा पाओगे, स्टेट में नहीं दे रहे हैं तो आप नेशनल लेवल में नहीं जा पाएंगे, अगर आप नेशनल लेवल में नहीं दे पा रहे हैं तो आप इंटरनेशनल में सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो परफॉर्मेंस गोल्स हैं, ये वो छोटे छोटे गोल्स हैं जो कि आपको हेल्प करेगा टू रीच योर अल्टीमेट गोल, जो कि है हमारा अचीविंग ए गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। तो गोल सेटिंग क्या है समझ में आ गया। अभी गोल्स कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन इज आउटकम गोल, सेकंड वन इज परफॉर्मेंस गोल, थर्ड वन इज प्रोसेस गोल। प्रोसेस गोल में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रोसेस गोल्स होते हैं, जैसे कि डेली गोल्स क्या होता है, सेशन गोल्स क्या होता है, एक सेशन में हमें कितना करना चाहिए, एक दिन में हमें क्या अचीव करना चाहिए, एक महीने में मुझे मेरा जो स्ट्रेंथ एबिलिटी कितना इंप्रूव होना चाहिए, तो ये जो प्रोसेस गोल्स हैं ये आपको हेल्प करेगा टू रीच द परफॉर्मेंस गोल, और द परफॉर्मेंस गोल्स जो हैं ये आपको रीच करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे टू रीच योर आउटकम गोल्स। तो मेनी टाइम्स यू नो आई गेट ए क्वेश्चन कि हम लोग सर गोल सेटिंग कैसे गोल सेट करेंगे, देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू नो द गोल शुड बी सेट फॉर एन एथलीट। ये स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप गोल सेट कर रहे हैं आपके एथलीट के लिए या आपके प्लेयर के लिए, तो आपको गोल, ये दीज आर द यू नो डिफरेंट प्रिंसिपल्स, दीज आर 8 डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉर गोल सेटिंग। तो ये प्रिंसिपल को, अगर ये गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करेंगे, देन वी विल बी एबल टू यू नो अचीव ए बेटर गोल फॉर आवर एथलीट। सो द सबसे पहला जो पॉइंट है, यू नो यू हैव टू सेट ए स्पेसिफिक गोल। नेक्स्ट वन इज सेट मॉडरेटली डिफिकल्ट बट रियलिस्टिक गोल। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इफ आई टेल, सपोज वन 13 ईयर ओल्ड एथलीट कम्स टू मी और 15 ईयर एथलीट कम्स टू मी, रोअर कम्स टू मी, एंड वेरी सेम डे, उसी दिन मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि नहीं आपको अगले साल ओलंपिक से मेडल लाना है। इज इट पॉसिबल? यस, इफ आई गिव देम, गिव मी टारगेट, अगर मैं उसको टारगेट देता हूँ फॉर मे बी अराउंड 5 years फ्रॉम नाउ और मे बी 4 years फ्रॉम नाउ, यस इट मे बी पॉसिबल। बट अगर मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं अगले साल आपको ओलंपिक्स में मेडल लाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, तो सो आपके जो एथलीट है उसके ऊपर बर्डन, लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका टारगेट है ओलंपिक मेडल, तो आप उसी के हिसाब से उसको ट्रेनिंग देंगे और उसका बॉडी वो लोड लेने के लिए तैयार नहीं है।
तो क्या हुआ कि आपके एथलीट का एथलीट को हानि पहुंचेगा एंड ही और शी विल नॉट बी एबल टू अचीव द टारगेट दैट यू आर फिक्स्ड. तो इसलिए जब भी आप टारगेट फिक्स मॉडरेटली डिफिकल्ट बट एट द सेम टाइम ये रियलिस्टिक भी होना चाहिए, मतलब अचीवेबल नहीं होना चाहिए और प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो ये एक रेगुलर यू नो एक to keep a regular eye on the goal setting process, you have to record different goals. Set practice and competition goals, यानी कि आपको practice session में आपको क्या goal रहना चाहिए, practice session में आपको क्या achieve करना चाहिए, competition session में क्या achieve करना है. जैसे कि for an example मैं discus throw करता था, ठीक है. तो discus throw में क्या होता था कि मेरा जो practice session का जो performance होता था वो सबसे वो बेहतर always, you know, it was better than the competition. मैं competition में जाके मेरा जो throwing performance था वो reduce हो जाता था. आपको गोल निकालना है कि इंडिविजुअल्स गोल कमिटमेंट, प्रोवाइड गोल सपोर्ट, प्रोवाइड इवैल्यूएशन ऑफ द फीडबैक अबाउट द गोल्स. तो ये जो सारी चीज में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा, स्पेशली टू माय कोचेस, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एथलीट का, मतलब बहुत टाइम मैंने देखा है कि जो गोल होता है कि ये गोल एथलीट का नहीं होता है, ये गोल कोच का होता है. कोच क्या करना चाहते हैं, मतलब कोच कितने साल में यानी कि ट्रेनर कितने साल में उस एथलीट का बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं उसके बारे में गोल बनाते हैं. नहीं, आप जब गोल सेटिंग करते हैं, आप जब गोल सेट करते हैं कोई एक इंडिविजुअल को, उस इंडिविजुअल के साथ बात कीजिए, उस इंडिविजुअल का लेवल ऑफ मोटिवेशन का देखिए, उस लेवल ऑफ उस इंडिविजुअल का यू नो पर्सनैलिटी देखिए, उससे बात करिए, उसे जान के उसके डिजायर के हिसाब से, उसके एबिलिटी के हिसाब से आपको गोल सेट करना पड़ेगा. क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये गोल आपके लिए नहीं है, ये गोल आपके एथलीट के लिए है. ओके, विल कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है ये इसको हम अटेंशनल फोकस भी बोलते हैं. क्योंकि ये टॉपिक मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करना चाहा क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है बहुत लोगों से कि सर मेरा एथलीट कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, कुछ बताइए इसके बारे में. सो ये जो आपका जो कंसंट्रेशन एबिलिटी है, जैसे कि पहले हम समझते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है. जैसे कि देयर आर अराउंड 187-190 पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट हियर अटेंडिंग दिस क्लासेस. बट आप जब ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरा वॉइस आप सुन रहे हैं, ठीक है. मैं जो भी बोल रहा हूँ, वट एवर आई एम सेइंग, यू नो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू लिसन, यू आर एबल टू यू नो टू लिसन वट आई एम सेइंग, ठीक है. बट अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपके चारों तरफ, आई मीन मेरा वॉइस के सिवाय बाकी कुछ आप सुन रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं आपको, तो आंसर क्या होगा कि हाँ सर सुनाई दे रहा. अभी मैं अगर जब पूछूंगा तो हम आंसर बोल सकते हाँ सर अभी सुनाई दे, जैसे कि बाहर कोई गाड़ी जा रहा है, जैसे कि फैन ऑन है उसका साउंड है, जैसे कि आपके घर में एसी चल रहा होगा उसका साउंड है. सो ऑल दीज थिंग्स आर यू नो लाइक दीज थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, ये सारी चीजें आपके चारों तरफ हो रहा है. जैसे कि आप अगर आप जब कंपटीशन में जाएंगे, कंपटीशन में क्या होगा कि आपका अपोनेंट बात कर रहा होगा, चारों तरफ जो ऑडियंस है वो जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे, जो ऑफिशियल मैच ऑफिशियल होगा वो व्हिसल ब्लो कर रहा होगा. बट ऑल दीज थिंग्स आर यू आर एबल टू लिसन, आपको ये चीजें सुनाई दे रहा है. बट आप वही सुनना चाहते हैं, बट वही आपको सुनाई देगा जो आप सुनना चाहते हैं, राइट. तो कंसंट्रेशन का मतलब है कि ऑन व्हाटएवर द यू नो द थिंग्स यू ट्राई टू मेंटेन फोकस इज कॉल्ड एज योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट. सो कंसंट्रेशन अगेन यू नो इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉड एंड नैरो सेक्शन, देन इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप्स.
ओके यहाँ पे है अटेंशनल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मैंने जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपको बोला था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव करना है, कंसंट्रेशन हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि इससे पहले मेरा सजेशन, यू नो दिस हैज बीन माय सजेशन ऑलवेज, बिफोर वी गो अबाउट यू नो फाइंडिंग आउट ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी हैव टू गो इनटू द रूट ऑफ व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। सो ये अटेंशन प्रॉब्लम्स क्या होता है, जैसे कि दो डिस्ट्रैक्टर होते हैं जिसके वजह से यू नो अटेंशनल प्रॉब्लम्स यानी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। एक होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर। मैंने यहाँ पे ये जो स्लाइड है आपके कंप्यूटर पे, यहाँ अभी मैं क्या करूंगा कि आई विल डिस्कस ओनली अबाउट योर इंटरनल डिस्ट्रैक्टर, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो दो चीजें विजुअल डिस्ट्रैक्टर्स और ऑडिटरी डिस्ट्रैक्टर्स, ये डिस्ट्रैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वहां पे जब आप पार्टिसिपेट करने जाएंगे वहां का मौसम कैसा होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वहां पे ऑडियंस कितने होंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑडियंस कितना जोर चिल्ला रहे हैं, कितना जोर जोर से बात कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं और आपके सपोर्ट में बोल रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऑल दीज थिंग्स आर योर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स, लाइक विजुअल डिस्ट्रैक्टर्स, ऑडिटरी डिस्ट्रैक्टर्स, तो इसका कंट्रोल करना मुश्किल है, ये आपके कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। सो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर इंटरनल डिस्ट्रैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अटेंडिंग टू द पास्ट इवेंट्स, attending to the past event. आप just imagine this situation. आप every year, I mean, so मैं जितना भी मुझे पता है हमारे इंडिया में services का team, जैसे कि in all the water sports services का team बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप, जैसे कि मैं उड़ीसा स्टेट से हूँ, जैसे उड़ीसा स्टेट से अगर कोई एक टीम आया है फॉर रोइंग और फॉर कायकिंग कैनोइंग, और उनके जस्ट साइड में, उनके बगल में सर्विसेज का टीम है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सर्विसेज टीम के अगेंस्ट में उड़ीसा का टीम बहुत बुरी तरह से हार गया। तो ये अभी अटेंडिंग टू द, नाउ दिस इज एन इवेंट व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट। अभी प्रेजेंट डे, आज के दिन में क्या है कि आज के दिन में मैं उड़ीसा का टीम मतलब स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा है, उसके साइड में जो खड़ा है वो सर्विसेज का टीम है, इवन द ओपोनेंट्स आर ऑल्सो द सेम, वही सेम प्लेयर्स हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा, आई एम 100% श्योर कि जो हमारे उड़ीसा के जो एथलीट हैं उनके दिमाग में यही चीज चल रहा होगा कि अरे लास्ट ईयर तो इन लोगों ने हमें हरा दिया था, अभी इस साल भी ये लोग हरा देंगे, ये वही प्लेयर्स हैं, वही बहुत अच्छा प्रिपेरेशन करके आए। तो ये होता है आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्टर। अगर आप ये, जब द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, नाउ यू फॉरगेट अबाउट योर परफॉर्मेंस, यू फॉरगेट अबाउट आपको क्या करना है, आपको कैसे परफॉर्म करना है, आपको कैसे पैडलिंग करना है, कितना अच्छे से रिदमिकली पैडलिंग करना है, ये सारे चीज आप भूल गए। अभी क्या हुआ, यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द ओपोनेंट्स परफॉर्मेंस, और यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन समथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट, वो पहले हो चुका है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज यू नो अटेंडिंग टू द पास्ट इवेंट्स। सो दिस शुड बी अवॉइडेड बाय एनी मीन्स, और ये नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट अटेंड द पास्ट इवेंट और यू शुड नॉट डू इट। हम लोग कैसे ये चीज को प्रिवेंट करेंगे, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज अटेंडिंग टू फ्यूचर इवेंट्स। पास्ट इवेंट के बारे में भी नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है। फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है, वही सेम एग्जाम्पल, सर्विसेज का टीम है, उड़ीसा का टीम है, और उड़ीसा का टीम क्या सोचता है कि जैसे कि अटेंडिंग टू फ्यूचर इवेंट्स का मतलब ये, जैसे कि इस बार तो मुझे गोल्ड मेडल लेना है, यू नो एट एनी कॉस्ट मुझे गोल्ड मेडल जीतना है, मैं अच्छे से तैयारी करके आया हूँ। मैं तो, यू स्टार्ट ड्रीमिंग, आप ड्रीम देखना शुरू कर देना, आप सपना देखना शुरू कर देते हैं कि मैं मतलब जो मेडल सेरेमनी में जा रहा हूँ, आई हैव वॉन द गोल्ड मेडल, मुझे एक अच्छा सा नौकरी मिल गया, एंड आई हैव सेटल्ड, आई एम सेटल्ड। सो यू गो ऑन थिंकिंग अबाउट द इवेंट्स व्हिच हैज नॉट ऑकर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट इवेंट में क्या हुआ, आप उस इवेंट के बारे में सोच रहे थे और आप उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहे थे जो कि पहले हो चुका है। अभी क्या हुआ कि जो नहीं हुआ है आप उसके बारे में सोच रहे हैं। सो द थर्ड वन इज चोकिंग अंडर प्रेशर। चोकिंग अंडर का प्रेशर मतलब क्या है, आपके पास एबिलिटी है, आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है, आप बहुत अच्छा प्रिपेरेशन है आपका, एवरीथिंग इज, आई मीन व्हेन एवरीथिंग, ऑल योर प्रिपेरेशन आर गुड, बट अल्टीमेटली क्या होता है, आगे चल के जाके आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, डील नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या होता है, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद, आपके पास बहुत अच्छा ट्रेनिंग होने के, प्लेयर होने के बावजूद भी आप गेम हार जाते हैं, उसको हम बोलते हैं चोकिंग अंडर प्रेशर, यानी कि आप प्रेशर को डील नहीं कर पाए, यू कुड नॉट गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर द प्रेशर। नेक्स्ट, ओवर एनालाइजिंग बॉडी मैकेनिक्स। जो लोग थोड़ा
ज्यादा कंसर्न होते हैं, जो जो लोग अपने टेक्निक के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने स्किल के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत फोकस करते हैं टेक्निक एंड स्किल के ऊपर, तो क्या होता है धीरे 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 होता है ऑल दिस, यस यू मस्ट फोकस ऑन योर स्किल बट ओवर एनालाइजिंग ऑफ द बॉडी मैकेनिक्स शुड बी अवॉइडेड। फैटिग के बारे में आपको पता होगा, अगर आप टायर्ड हैं, अगर आप मतलब कंपटीशन के जस्ट एक दिन पहले आप हैवी वेट ट्रेनिंग किए हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर अटेंशनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि फिजियोलॉजी के अगर जितने भी मेरे इमिनेंट पर्सन यहाँ पे हैं, वो दे विल ऑल्सो एग्री विथ मी, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल टायर्ड है या उसके बॉडी में फैटिग है तो वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा या फोकस नहीं कर पाएगा। तो एंड द लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इनएडिक्वेट मोटिवेशन। अगर एक बंदा मोटिवेटेड नहीं है तो वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो ये इसमें फोकस नहीं करेंगे। ये हम कंसंट्रेशन को कैसे एनहांस करेंगे, हम कंसंट्रेशन को एनहांस करने का, यू नो देयर मे बी मेनी वेज बट आई हैव इंक्लूडेड हियर सेल्फ टॉक, क्योंकि सेल्फ टॉक इज वेरी इजी, यू नो सेल्फ टॉक मींस खुद से बात करना, ये खुद से बात करना बहुत आसान है, बहुत अच्छा तरीका है, इसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, कोई यस ट्रेनिंग की जरूरत है। बट ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है, देखिए सेल्फ टॉक कैन बी ऑफ पॉजिटिव इन नेचर एंड सेल्फ टॉक कैन बी नेगेटिव इन नेचर। मैंने बहुत सारे एथलीट्स को देखा है, बहुत सारे रोअर्स को देखा है, वो जब कंपटीशन के लिए जाते हैं ना, वो उनके पैडल से बात करते हैं, उनके बोर्ड से बात करते हैं, उनके बोर्ड को कुछ कहते हैं, उनके पैडल्स को कुछ कहते हैं, तो वो क्या होता है, आई मीन दिस इज समथिंग लाइक यू नो दे ट्राई टू फोकस, ये यूज करके वो कुछ खुद फोकस करना चाहते हैं इन द गेम, वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं इन द गेम, राइट। सो ये दो तरीके के हो सकते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक हो सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो सकते हैं। तो एज एन एथलीट और एज एन कोच यू हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव सेल्फ टॉक। फॉर एन एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, जैसे एक लेडी क्या है, एक लड़की टेनिस खेल रही है, ठीक है। तो टेनिस खेलने के दौरान क्या हुआ कि इसने एक बहुत आसान सा शॉट या जो आसान सा रिटर्न था उसने रिटर्न नहीं कर पाया, एंड क्या हुआ कि After that, उसके बाद immediately she is saying two things. One thing is, what an idiot I am. I will never win now. तो ये क्या है? वो खुद को गाली दे रही है, खुद को मतलब बुरा बोल रही है, खुद को negative बोल रही है. So all this sentence is a negative self-talk, right? But if you see the second sentence that lady is saying, keep your eyes on the ball. This match is not yet over. इसका मतलब ये है, अब कोई नहीं, ये गलती हो गया, आगे से ध्यान रखो, आगे से अच्छे से करो, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, मैं भी जीत सकता। जो दो सेंटेंस है अभी, दीज आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस सी सेइंग टू हरसेल्फ, बट एक में वन इज पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एंड सेकंड वन इज योर नेगेटिव सेल्फ टॉक। सो सिमिलरली यू नो फॉर एन एग्जांपल, आप जब जैसे कि यहाँ पे आप रोइंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो रोइंग का जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए तीन डिफरेंट एथलीट हैं, तीन डिफरेंट प्लेयर हैं। सबसे पहले जो है वो क्या बोलते हैं खुद को, ये आई नो दिस ट्रेनिंग इज वेरी टफ, ये ट्रेनिंग करने के दौरान यू नो उनको भी पेन होता है, दे ऑल्सो फील टायर्ड, बट टायर्ड होने के बावजूद व्हाट दे डू इज, वो उसको खुद को ये बोलते हैं ऑल दिस सेल्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, हार्ड वर्क इज पॉजिटिव वर्क। सेकंड जो प्लेयर है वो बोलते हैं आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग। थर्ड वन इज पेन, नाउ इज द गेन इन द गेम। सो ये होते हैं जो अगर आपके जो एथलीट हैं वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके एथलीट हैं जो अटेंशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे आसान और सबसे बढ़िया टेक्निक है सेल्फ टॉक। और ये सेल्फ टॉक जो है इट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। और ये जो है ये आपको, ये हमारे जो कोचेस हैं या जो ट्रेनर्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, यो व्हेनेवर दे आर यू नो कमिटिंग सम मिस्टेक, डोंट शाउट एट देम, डोंट गिव देम नेगेटिव कमेंट्स you know in public. So you tell them, you know, you have to create a positive environment so that you have to teach your athlete to talk positive things about themselves to them. these are few more methods of enhancing concentration, like use of simulation practice. Use of simulation practice means ये क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई एथलीट आते हैं, बोलते हैं कि सर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम क्योंकि जो सराउंडिंग है, हम जब पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो जो ऑडियंस का जो साउंड है, यानी कि ऑडियंस जो शोर में जाते हैं, उससे हमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या कराते हैं, उनको सिमुलेशन प्रैक्टिस कराते हैं। सिमुलेशन प्रैक्टिस का मतलब क्या है, वी क्रिएट ए गेम लाइक सिचुएशन बट इन द लैब। हम लैब में क्या होता है, साउंड प्ले करते हैं,
यू नो वी ट्राई टू क्रिएट, हम लोग ये कोशिश करते हैं, ये क्रिएट करने का कोशिश करते हैं एक सिमिलर गेम लाइक सिचुएशन जिसमें कि वही लाइट भी हुई हो, यू नो काइंड ऑफ स्पेक्टेटर्स हो, स्पेक्टेटर का साउंड भी हो, सो दैट यू नो जब आप गेम खेलने के लिए जाओगे, एक्चुअल पार्टिसिपेट करने के लिए जाओगे, उस टाइम पे क्या होगा कि यू हैव ऑलरेडी, आप ये जो सिचुएशन आप फेस करोगे आगे चल के, ये सिचुएशन आप पहले से ही फेस कर चुके हो इन्हें गेम लाइक सिचुएशन, तो क्या होगा आपका वो जो डर है या तो या जो आपका जो एबिलिटी था कि आप फोकस नहीं कर पाते थे जब आपके सराउंडिंग में स्पेक्टेटर थे, वो सब सही हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ क्यू वर्ड्स, यूज ऑफ नॉन जजमेंटल थिंकिंग, एस्टेब्लिश रूटीन्स, डेवलप कॉम्पिटिशन प्लान, डेवलप आई कंट्रोल, मॉनिटर यूर सेल्फ, ओवरलर्न स्किल्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर यू नो जस्ट अ मिनट अंग्रेज सर, हाउ मच टाइम डू आई हैव? हेलो 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 हाँ अंग्रेज सर, हाउ मच टाइम डू आई हैव सर? 10 टू 15 मिनट. यू कैन ओके ओके फाइन. सो दीज आर the different methods of you know consideration, so you can make use of all these things, but first thing is these are certain things you know like which has to be done with the help of the psychological the sports psychologist, but this one, the self talk, this can be done even at your own level, so provided you are matured enough, you understand your goals, you understand your targets. So, and all these techniques, these eight methods for improving concentration has to be done with the help of the psychologist or a certified trainer. So, aggression in sport, you must be knowing, this is very sport. Many people say that yes, it is in a sport to achieve something, you know, you need to aggressive, but that's not wrong. Aggression ka matlab ye hai, koi bhi player ko, kisi bhi main मतलब है हम इफेक्टिवली अपना स्किल हम मतलब डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब कितना इफेक्टिवली स्किल डिस्प्ले करके हम कैसे सिचुएशन एड करते हैं. जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम जब आते हैं तो बाहर टीम उसको देख के ही डर जाते हैं, राइट? सो सेल्फ यू नो क्रिएट्स ए फियर इन द माइंड ऑफ द ओपोनेंट्स, राइट? तो ये एग्रेशन, हमें जो एग्रेशन है ना, ये एग्रेशन को प्रमोट नहीं करना है, हमें एजेटिवनेस को प्रमोट करना चाहिए. और जितना भी एग्रेसिव बिहेवियर है ऑफ ए प्लेयर और ऑफ ए कोच कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स एंड मेथड्स, लाइक प्रमोट, यू नीड टू प्रमोट एजेटिवनेस, नॉट एग्रेसिवनेस. यस, दिस इज फॉर द कोचेस. यू शुड नॉट प्रमोट एग्रेसिव बिहेवियर. एग्रेसिव बिहेवियर का मतलब ये है कि कोई भी बिहेवियर जो कि अपने जो ओपोनेंट है, ओपोनेंट को हानि पहुंचाना होता है, नॉट ओनली फिजिकल हार्म, इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी एनीथिंग. सो ऑल दीज बिहेवियर्स व्हिच इज टारगेटेड टुवर्ड्स कॉजिंग हार्म टू योर एथलीट शुड बी अवॉइडेड और शुड नॉट बी प्रमोटेड. ये प्रमोट नहीं होना चाहिए. तो एग्रेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये जो पांच पॉइंट है, दिस एक्सप्लेन्स हाउ द एग्रेशन वी कैन कंट्रोल, राइट? How to motivate the players? ये मैंने बोला था कि ये लास्ट में मैंने मेंशन किया है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने जो प्लेयर्स हैं उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, ये जो पूरा स्लाइड है ये फॉर माई रिस्पेक्टेड कोचेस. मॉनिटर योर फीडबैक टू द एथलीट्स, लेट एथलीट्स नो वॉट दे डू वेल एज वॉट नीड्स इम्प्रूवमेंट. ये आपको सबसे पहले, आपको ये मैंने बहुत बार देखा है. इवन वंस आई हैड बीन टू एल ए पी एंड आई went for a round with Sir Angrej, and he was training his athletes very nicely. Like he was telling not only his mistakes, but at the same, not only their mistakes, but at the same time he was praising whatever things they are doing good. That's a very nice thing. ये बहुत अच्छा चीज़ है. जो आप एक coach होने के नाते आप उनको बस ये मत बताइए कि every time yeah this is your mistake, this is your mistake, that is your mistake. No, you should also tell them that this is what you have done well. This is what you needs improvement. So all these things is this is the first thing which will create an athlete coach relationship or an athlete coach environment. Minimize punishment or criticism. This does not mean to ignore mistakes. Rather use instruction and encouragement to help athletes improve. Just one simple sentence. मैं एक चीज बोलना चाहूँगा यहाँ पे. आप चाहे personally, individually आप उनको कितना भी criticize करिए, कितना भी punishment दीजिए, that's fine.
बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा यू नो व्हेन दे आर इन टीम और व्हेन दे आर इन स्टैंडिंग इन अ सोशल सेटअप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल यू हैव टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ पनिशमेंट और द क्रिटिसिज्म. इंडिविजुअलाइज एथलीट फीडबैक. इंडिविजुअलाइज एथलीट फीडबैक का मतलब आपके जो टीम में है आप ईच एंड एवरी एथलीट के बारे में आपको जानना चाहिए. रिस्पॉन्ड टू मिस्टेक्स बेस्ड ऑन एथलीट्स करेंट एबिलिटी. एक्सपेक्ट ऑल एथलीट्स टू शो एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट. Reward athletes when you see improvement. Reward athletes reward athletes who are trying hard. जो भी यहाँ पे आपके athletes हैं जो आपका अच्छा performance कर रहे हैं आप उसको praise कीजिए. जो मतलब अच्छा performance नहीं दे पा रहे हैं but still they are trying उसको. Encourage teamwork. Use drills where athletes have to work together to meet your goals. Reward athletes for encouraging and helping with each other. This is something you know which will definitely help you when you are dealing with the team, not only in the game situation, but when they are staying in the hotel also, you have to promote the interaction between the team members. When they are training also, you have to interact. You have to, आपको ये promote करना चाहिए कि the team members interact with each other. Or even when they are in their, dining hall, mess, everywhere. So you have to, as a coach, you have to take care that they deal with each other. They interact with each other. And so that by using all these three methods, you can improve the level of motivation of the player. First one is monitor your feedback to the athlete, individualize athlete's feedback, and encourage teamwork. So by all these three means, you can motivate your players. To sum up, sports psychology is the key to athletic excellence and success, and that it governs the quality of a performance in all the games and sports. That means in all the games and sports, not only in water sports, not only in kayaking, canoeing, and rowing. This psychology is something which is required in each and every games and sports to achieve the sports excellence. Psychology, the knowledge of psychology or the training or the psychological preparation helps an athlete to find out a way or to equip an athlete with different psychological skills so that the athlete can always avoid the negative emotions and promote the positive emotions, thereby improving his best performance and giving his best performance, bringing laurels and medals to the country. Thank you so much. Now it is open for discussion. All the athletes, all the participants are requested to raise your hands. Is Alina Biju has raised the hand. Alina Biju, you want to ask something? Okay, anybody want to ask any question can write in the chat box or can raise their hand. जो भी एथलीट कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज अपना या तो रेज हैंड करें या वीडियो में या फिर आप साइड में एक ऑप्शन है उसमें कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं. Can I have a question, Ashutosh ji? Yeah, yes, sir, please. Myself is Ismail, national coach employee. I like to know, जब हम coaches हैं के training plan बनाते पर 1 year का जब maybe long period. That is a part of the psychology part है. काफी जरूरी है क्योंकि physical training से तो हम पूरा का maximum तो हम achieve नहीं कर सकते. काफी मेहनत करता है भी psychology भी काफी important है. साथ साथ हमारा दूसरी भी चीज है न्यूट्रिशन. अगर हमने जब प्लानिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन में बेसिक प्रिपरेशन स्पेसिफिक प्रिपरेशन देन कंपटीशन में प्री कंपटीशन कंपटीशन देन उसमें हमारा जैसा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है इमेजिनरी है जैसा कि आपको बताए थे ये कौन सा टाइम में ज़्यादा प्रियोरिटी देना जैसे कि प्रिपरेटर में आपको किस चीज़ पर ज़्यादा विजिलेशन पे देना है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे देना है रिजुलेशन में देना है या कॉम्पिटिशन में कौन सा चीज को बताना है या सभी मिक्स करके हमें जाने से सही रहता है जब जैसे कोचेस को प्लानिंग आपका एड्रेस करें. ओके ओके सर आई गॉट योर क्वेश्चन. सी व्हाट हैपेंस एज यू वी ऑल नो दैट द व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर पीरियडाइजेशन तो उसमें क्या होता है
कि पीरियडाइजेशन में आपका प्रिपेरेटरी फेज रहता है, प्री कंपटीशन फेज रहता है, कंपटीशन फेज, देन ट्रांजिशन। तो सिमिलरली सर क्या होता है कि साइकोलॉजी में भी, साइकोलॉजिकल प्रिपेरेशन में भी हमें सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जो हमारा प्री कंपटीशन फेज है या प्रिपेरेटरी फेज है, ये जो दोनों फेज है ना, इसमें हम लोग सर क्या होता है, एथलीट को सिखा सकते हैं कि जो नया नया साइकोलॉजिकल टेक्निक्स क्या है, लेट इट बी योर इमेजरी, लेट इट बी योर स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लेट इट बी एनीथिंग सर, जो भी है, जो भी ट्रेनिंग है, जो नया ट्रेनिंग हम एथलीट को सिखाना चाहते हैं, दैट हैज टू बी टॉट ड्यूरिंग जो हमारा जो प्री कंपटीशन फेज है और ड्यूरिंग हमारा जो प्रिपेरेटरी फेज है। सो ड्यूरिंग दिस प्रिपेरेटरी फेज एंड द प्री कंपटीशन फेज हमें एथलीट को जो जो भी साइकोलॉजिकल टेक्निक हम सिखाना चाहते हैं, वी कैन टीच हिम। बट सर जो एक बार जब कंपटीशन फेज आ गया, उस टाइम पे हमें एथलीट को कोई नया टेक्निक नहीं सिखाना चाहिए, ओनली जो टेक्निक हमने पहले सिखाया था उसका प्रैक्टिस कराना चाहिए, सो दैट वो कंपटीशन में जाके क्या है कि वो टेक्निक को वो यूज कर सके और वो टेक्निक को इफेक्टिवली यूज करके जो नेगेटिव इमोशंस है उसको कंट्रोल कर सके। सो सर मेरा आंसर टू योर क्वेश्चन इज, जो भी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है सर, जो भी हम एथलीट्स को सिखाते हैं, जो भी हम प्लेयर्स को सिखाते हैं, इट हैज टू बी टॉट ड्यूरिंग द प्रिपेरेटरी फेज मेनली एंड टुवर्ड्स द इनिशियल फेज ऑफ योर प्री कंपटीशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Any other question, please? Anybody? Any coach or any participant, please? From Sukhvinder Singh. One of our attendee called Sukhvinder Singh has asked one thing, is there something called as home advantage? Yes, Sukhvinder ji, yes, there is something called as home advantage. Home advantage hai. इसका ये जो होम एडवांटेज है, जब एक टीम अपना खुद के ग्राउंड में, यानी कि जैसे कि फॉर आवर इंडियन टीम, अगर एशियन चैंपियनशिप या वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारे इंडिया में होता है एंड हमारा इंडियन टीम उस टीम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि फॉर द इंडियन टीम इट इज होम एडवांटेज। होम एडवांटेज जो है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो होम एडवांटेज कैन बी ए डिसएडवांटेज ऑल्सो। होम एडवांटेज, ये जो होम एडवांटेज डिसएडवांटेज तभी होगा जब भी हमारा जो टीम है, हमारा जो इंडियन टीम है, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अगर उनका एबिलिटी अच्छा है, उनका स्टैंड अच्छा है, तो ये हो जाएगा होम एडवांटेज। अगर हमारा जो एथलीट जो टीम है, जो इंडियन टीम है, हालांकि वो इंडिया में खेल रहे हैं, बट जो इंडियन टीम है अगर उनका एबिलिटी उतना अच्छा लेवल पे नहीं है और वो दे स्टार्ट गोइंग अंडर प्रेशर, अगर वो प्रेशर के अंदर एक बार चले गए, सो दैट विल बी द होम डिसएडवांटेज। मैंने ये बहुत बार ये भी देखा गया है कि होम टीम या होम ग्राउंड में खेलने के बाद भी बहुत बुरी तरह से टीम्स हारे हैं। जैसे कि आई रिमेम्बर देयर वाज ए T20 मैच इन कटक बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, तो उसमें बहुत बुरा, आई मीन इंडिया अपने होम एडवांटेज स्टेट में था, बट क्या हुआ कि उसका कंटिन्यूअसली जैसे 2-3-4 विकेट गिर गए, तो क्या हुआ कि मैच विनिंग सिचुएशन से मैच लूजिंग सिचुएशन में चले गए वो लोग। तो ये जो होम एडवांटेज है दैट इज देयर, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आपका जो टीम का एबिलिटी क्या है, आपका जो टीम का परफॉर्मेंस क्या है। अगर आपका टीम ऑप्टिमम लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं, देन इट विल बी एन एडवांटेज। अगर आपका टीम का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डाउन होता है, देन योर इवन ड्यूरिंग इवन यू इवन दो यू आर प्रैक्टिसिंग इन योर योर होम ग्राउंड, इट विल बी अ डिसएडवांटेज टू। एनीथिंग एल्स? एनी एथलीट, कोई भी एथलीट जिसको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती हो ड्यूरिंग अपने कॉम्पिटिशन की, भाई अगर आप कॉम्पिटिशन खेलने जा रहे हैं तो आपको पसीना आ रहा है हाथों में, आपके पेट में बटरफ्लाइज हैं और आपको ऐसा कुछ फील होता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन कभी फील हुई है तो आप अपनी प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों यहाँ रख सकते, मतलब आपको सोल्यूशन मिल जाएगा अगर आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ शेयर करेंगे। तो कोई भी एथलीट जिसको कोई भी साइकोलॉजिकल मतलब प्रॉब्लम भी नहीं है, साइकोलॉजिकल कोई एक स्टेट हो,
कि साइकोलॉजी ऑलवेज प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब अगर आपको ऐसा फील होता है कुछ भी तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, जिससे कि आपको मतलब गाइड किया जा सके। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अशोक जी, साइकोलॉजिस्ट। एक्चुअली मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। उसमें क्या है कि सर आज आपने काफी कुछ सिखाया, मैं तो उसके बारे में काफी कुछ पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मेरे को सिंपली काफी कुछ समझ में आ गया। इसके भी दौरान आपने काफी चीजें सिखाई, जैसे कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, और उसके अलावा आपने ब्रीदिंग प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आज अभी हमारे साथ काफी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि वो मैं जानता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं करते और उनका फीडबैक जो प्रोसीजर है वो काफी डाउन है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज आप विद 3-4 मिनट के लिए आप करवा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उन बच्चों को पता लगेगा कि एक्चुअली वो एक्सरसाइज है क्या। नहीं सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग सर, कि दैट ऑल्सो इज दैट आई टोल्ड यू, ये सर मैंने पहले भी बोला था कि ये सेशन में जब मैंने ये एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं चाहे ये चीज मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूं, अंटिल एंड अनलेस एथलीट्स डू इट। तो सर ये जो सर के साथ भी मैं सहमत हूँ सर कि ये एक पूरा सेशन चाहिए, 3-4 मिनट में सर एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज ए मेथोडिकल प्रोसीजर दैट कंप्लीट टाइम हैज टू बी गिवन। तो सर आई एम रेडी, इफ इट इज रियली रिक्वायर्ड आई विल टेक अनदर सेशन ऑन दिस सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। यस सर। सर दिस इज जयंता, कयाकिंग एंड कैनोइंग कोच। May I have a question, please? Yes, sir. Please, sir. Yeah, sir. Actually, it's not a question, sir. It's a request that for preparation of athletes from grassroots level to the optimum level, we require to groom up them as per different aspects. So, sir, if general guidelines can be issued for concerning, like it is there only, but we don't have any specific guidelines to groom up the athletes in different periodization, like preparatory period, pre-competition or competition period. So it will be very useful for us, sir, if you can draft a general guideline for us to what to do or does and doesn't of this regarding sports psychology, sir. If we have any such guidelines, sir, then please let us know, sir. If it is not there, sir, it will be very thankful to you, sir, if you can prepare specially for water sports. Thank you. Jain sir, I mean, definitely I would love to, you know, do that. I would love to, you know, help you out. So, but the thing is, I will be in talk with our director, NCOE LAP, and accordingly, we will prepare and submit. We will draft it, not an issue. Anything, any other queries that we can proceed? Any athlete wants to ask any question? कोई भी athlete अगर कोई भी question पूछना चाहता है, वो अपने आप को unmute भी कर सकते हैं अपने आप, और please feel free to ask any question. This session is only for you. One coach, sir, is there? Soma Barua. Yes, you can ask the question. No problem. Hello. Yes, madam. Hello. Good morning, sir. Good morning. Hello. Sir, मेरा नाम अनुष सर, मैं एलपी सहायक का कैनोइंग ट्रेनी है सर। सर हमारा स्पोर्ट्स में 3 कैटेगरी है, सीनियर जूनियर सब जूनियर।
इसमें सीनियर एथलीट को पता है एक कॉम्पिटिशन के लिए कैसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कॉम्पिटिशन कैसे अटेंड करना है, ऐसा पता है. लेकिन हमारा नया वाला बच्चा लोग नहीं पता है उनको कॉम्पिटिशन के लिए क्या करना है, कॉम्पिटिशन का पहले क्या कॉम्पिटिशन कैसे अटेंड करना है, ऐसा नहीं पता है. उनको ज्यादा से ज्यादा टेंशन लेता है. सर सर मेरा क्वेश्चन यही है, वो बिगनर्स को कॉम्पिटिशन के पहले मेंटली कैसे प्रिपेयर होना चाहिए सर. अच्छा Anusha, I completely got your question. That's what Jayant Kumar sir was saying recently. He was saying that in the grassroots level or in the junior level or sub-junior level, you know, we don't have a system of this psychological preparation. I mean, this is actually a misconception. एक misconception ये है कि हमें जो psychological preparation है वो only elite level में जरूरत है. नहीं, अगर साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन हमें जूनियर लेवल में भी जरूरत है, ग्रासरूट लेवल में भी जरूरत है. ठीक है, तो ये हमें सिखा के इफ यू आर जो हमने बोला एक ड्राफ्ट बना के सबमिट करेंगे, तो ये हम ड्राफ्ट बना के सबमिट करेंगे. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, क्योंकि मैं यहाँ पे LNCB में जॉब करता हूँ, तो आफ्टर दैट ऑल्सो इफ एनी हेल्प इज रिक्वायर्ड यू कैन टॉक टू योर कोच. आप कोच के साथ बात करें और अगर जरूरत पड़े, अगर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, देन आई कैन हेल्प. बट मेरे को लगता है कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ. कभी कभी क्या होता है कि हाँ जी, हम जब टीम को लेके जाते हैं ह्यूज मतलब लाइक नेशनल टीम, तो ऐसा होता है कि कॉम्पिटिशन के दौरान बच्चे रोवर कर देते हैं कि हमें नहीं खेलना है. तो सर बहुत हम उसके लाइक बहुत समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा ऐसा है वैसा है, क्योंकि आपने पूरे साल प्रैक्टिस की है, ऐसा आपको कंपटीशन करना ही पड़ेगा. तो लाइक वो रेपेचर्स के बाद में सेकंड वाला वो खेलना नहीं चाहता, तो उस दौरान उसको लाइक क्या हो जाता है कि ऐसा हम उसको वो ऐसा करना चाहते हैं सर. देखिए, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड वैलिड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड. ये जो होते हैं ना, ये दो रीजन के लिए होते हैं. One thing is fear of failure, fear of competition. दूसरा जो है, इनको शायद ये समझ में आ गया है कि मैं चाहे पार्टिसिपेट कर लूं, कम्पीट कर लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना ही नहीं है मुझे, तो मुझे फालतू में पार्टिसिपेट करके क्या फायदा है, राइट? दे डोंट, सो बेसिकली दिस प्रॉब्लम कम्स इन द प्रॉब्लम, आई मीन दे फेस दिस काइंड ऑफ सिनेरियो बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन गोल सेटिंग प्रोसीजर. They do the training, right? They prepare themselves well, but at the end of the day, when they go and reach in the competition, they understand that by participating in the competition, they are not going to get anything out of it. Get in terms of position, first, second, third. So when they know that, when they know their ability, when they know the ability of the next person, that's why they give up. This is one. Second thing is they are scared of, you know, fear of failure. They are worried about, if I fail, what will be the consequences? That will be an insult to me, or maybe that will some actions will be taken if I am in a sports hostel or something on the basis of my performance, I'll be weeded out or something. So these are the possibilities. These are the, you know, probable possibilities or the reasons why they do that. And the way, I mean, how can we prevent them from doing all these things? As I told you, the training has to begin from the very beginning along with your physical training. So you please work on their goal setting. You talk to them periodically, evaluate their goals, periodically evaluate how they are able to achieve it. You talk to them the positive things. So main thing is you work on goal setting. You will definitely, this problem will be sorted out. Just try once. Thank you, sir. डॉक्टर सुरेन फ्रॉम नासिक इज आस्किंग कि अगर लॉकडाउन के बाद प्रैक्टिस शुरू होती है तो हाउ टू प्रिपेयर मेंटली प्रिपेयर द एथलीट फॉर द कंपटीशन. यस, लॉकडाउन के, दिस इज डॉक्टर सुनील नाइक. ओके, सो लॉकडाउन के बाद जब प्रैक्टिस शुरू होंगे, यस, दिस इज ऑफकोर्स ट्रू कि हमारे पास आगे चल के ओलंपिक्स भी नेक्स्ट ईयर ही है. हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है टू प्रैक्टिस
टू यू नो प्रिपेयर, और जितने भी हम प्रिपेयर किए थे अभी बहुत सारे जगह पे क्या है कि ट्रेनिंग्स बिल्कुल बंद है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या जो मेंटल प्रॉब्लम्स या जो मेंटल ये जो प्रेशर है यानी कि जो टेंशन है ये आने वाले हैं, राइट। सो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा टारगेट है ओलंपिक्स और अगर हमारा टारगेट है जो भी नेशनल कॉम्पिटिशन्स, उसके लिए अगर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम दैट इज अवेलेबल विथ अस, अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म है मतलब कम टाइम है फॉर द इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन, तो हमें वी शुड गो फॉर यू नो इमीडिएटली स्टार्ट द शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपेरेशन। अगर हमारे पास ओलंपिक, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर ओलंपिक्स, अगर हमारा टारगेट ओलंपिक्स है तो स्लोली स्लोली क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट द लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपेरेशन। येस, क्या क्या मेंटल ट्रेनिंग देंगे दैट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन कि सबसे पहले कि जो जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं टेस्ट कराते हैं उसके बाद आपको मेडिसिन मिलता है, तो सिमिलरली आपको एक थोरो जो साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आपके एथलीट को। तो इस जैसे कि 5-6 जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, जैसे कि आपका गेम, जैसे कि अगर कोई वाटर स्पोर्ट्स है तो उसमें मोटिवेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, यू नो योर मेंटल टफनेस हो गया, योर यू नो अटेंशन एबिलिटी हो गया, सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो सारे चीजें हैं ये आपका कंट्रीब्यूट करेगा टू योर परफॉर्मेंस। तो ये चीज में जो एथलीट का एबिलिटी क्या है, किस एबिलिटी में वो कम है, किस एबिलिटी में वो अच्छा है, ये आपको पहले पता करना पड़ेगा। तो जिस एबिलिटी में वीक है इमीडिएटली आपको उसी एबिलिटी में ट्रेनिंग शुरू कर देना पड़ेगा, सो दैट हिज मेंटल एबिलिटी और हिज साइकोलॉजिकल एबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द नेगेटिव इमोशंस। वन थिंग इज श्योर दैट नेगेटिव इमोशंस विल बी देयर इन मोस्ट ऑफ द एथलीट्स, इवन विद मोस्ट ऑफ द कोचेस टू। आई थिंक आई हैव आंसर्ड टू डॉक्टर सुनील नासिक जी। Dr. Sunil Nasik ji, I think I have answered your question. Okay, sir. Now there is another question from Madhya Uday Kiran. Mm-hmm. What this? So you are getting in the chat box now? Yeah, I'm getting it. I'll just answer. Before when start the game, I'm getting some problems like my body is getting heat while the game. I can't give the best that I'm giving while training. Is there any solution for this? My body is getting heat. Madhya Uday Kiran, can you please speak out what you want to say? I don't get my body is getting. Hello, sir. Good morning, yes, sir. Good morning. Sir, मुझे जब गेम खेलने जाता हूँ उस समय एक ही प्रॉब्लम होता है कि मेरा हार्ट लेवल जो है ऑटोमेटिकली मतलब आवाज मुझे सुनाई देने जैसा होता है और मेरा फील ऐसा होता है कि मुझे कुछ तो करना है, वो तो दिमाग में तो चलता रहेगा, कुछ तो करना है मुझे, रेस कम्प्लीट परफेक्टली मेडल लेना है, उसको दिमाग में आता है। फिर भी प्रॉब्लम है, अचानक हार्ट लेवल जो है आराम से मतलब स्पीड होता है और अजीब सी गर्म मेरा अंदर महसूस होता है। बॉडी लेवल हीट तो मेरे को महसूस होता है कि मेरा वे हीट जो है मुझे महसूस होते रहेगा, और जब मैं गेम बोर्ड जब पानी में रखता हूँ उस टाइम में तो मैं सोच के जाऊंगा कि हाँ करना है, फिर तब मैं ट्रेनिंग में जितना प्रैक्टिस करता हूँ उधर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ सर। Okay, don't you are Madhya Uday Kiran, right? Yes, sir. Okay, don't worry. I also faced the same condition when I was doing my sports, right? So I can address this question of yours in a better way. See, one thing first, you just let me know this happens during the competition or during the practice. Hello. Yes, sir. This, ये आपका कंपटीशन के दौरान होता है या प्रैक्टिस के दौरान होता है? Only for competition के दौरान सर। Very good. I got it your question. See, competition के दौरान ये जो होता है और ये होता है mainly आपका जो रीजन है that is because of anxiety. आप स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं क्योंकि जो स्ट्रेस अब जब स्ट्रेस में आते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे मतलब बिल्कुल जो सुन पड़ जाना और पेट में जो मतलब ये सा बटरफ्लाई टाइप का फील होना, बार बार टॉयलेट जाना, सो ऑल दीज
things are, you know, are the byproduct of your anxiety or the stress. So, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जो डिफरेंट टेक्निक्स है यू कैन टेक माय कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम द फ्रॉम अंग्रेज सर एंड यू कैन आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट इफ यू कैन लेट मी नो देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस सम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सम मेथड्स व्हिच विल हेल्प यू आउट इन रिड्यूसिंग योर लेवल ऑफ एंग्जाइटी बिफोर द कॉम्पिटिशन दैट यू मस्ट लर्न एंड नाउ आई एम श्योर कि the why this is happening because of your level I mean level of anxiety or level of stress kyunki agar aapka physiology level mein agar aapka body mein kuch problem hota to ye to competition ke time I mean practice ke time bhi hota agar practice ke time nahi ho raha hai aur only competition ke time ho raha hai that means ye competition ke karan hi ho raha hai aur aapka jo man mein dar hai towards competition aur aapke man mein jo tension hai worried hai वरी है इसके लिए ये जो आपने दिया है जो लिखा है ये सब चेंजेस आपके बॉडी में हो रहा है ठीक है तो और इसको कैसे दूर करना है माय आंसर इज आपको स्ट्रेस आपको जो स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स है ब्रीदिंग टेक्निक्स है ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एवरी डे आपको जो ब्रीदिंग टेक्निक है या मेडिटेशन है या आपको प्रैक्टिस ये सिंपल चीज है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करके देखिए स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जो है मैं आपको कुछ बताऊंगा उस प्रैक्टिस करके देखिए डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा यस सर थैंक यू सर थैंक यू बिलास बोरकर नागपुर से हाँ जी बोलिए सर गुड मॉर्निंग सर सर गुड मॉर्निंग सर जब आप ये लॉकडाउन के बाद हम नए जोश के साथ उतरेंगे प्रैक्टिस के लिए तब हम एक दो महीने अच्छे से वर्कआउट करेंगे प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे फिर बाद में वो टायर्ड आ जाता है इंटरेस्ट कम हो जाता है और उसके लिए हम बहुत आलस पैदा होता है करने का कुछ मन नहीं करता देखिए मुझे आपने यहाँ पे दो चीज बोला ठीक है एक पहला चीज बोला है कि आलस पैदा हो जाता है करने का मन नहीं करता दूसरी बात है कि आप हम थक जाते हैं ठीक है तो अगर आप थक जाते हैं इफ यू आर फीलिंग टायर्ड तो उसके लिए सलूशन क्या है आपको आप कोच के साथ कोच साहब के साथ बात कीजिए क्योंकि वो आपको हेल्प करने के लिए वहां पे हैं आपके बात बिल्कुल सुनेंगे आप उनके साथ एक बार बात कीजिए उनको बोलिए कि आपको टायर्ड आप टायर्ड फील कर रहे हैं आपका रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेंगे वो आपके साथ बात करेंगे वो ढूंढ के निकालेंगे कि रीजन क्या है आप टायर्ड क्यों फील करते हैं ऐसा हो सकता है कि आपको नींद सही नहीं हो रहा है रात को या ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिकवर प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो चीज है जो आप टायर्ड फील कर रहे हैं उसका सोल्यूशन जो है वो कोच साहब के साथ बात करके आप उसका सोल्यूशन निकालिए कि रीजन क्या हो रहा है आप टायर्ड क्यों फील कर रहे हो बात है ना दूसरी बात आप जो इंटरेस्ट के बारे में आपने बताया जब आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आपका आप क्या करना चाहते हैं आप क्यों ये गेम कर रहे हैं आपका अल्टीमेट गेम क्या है अल्टीमेट एम क्या है सर हम मुझे तो ओलंपिक में जाना है ओलंपिक में वेरी गुड विलास बट लिसन ओलंपिक में जाना ये इज गोइंग टू बी अ टफ जर्नी खाली मैंने आपको जब गोल सेटिंग के बारे में समझा रहा था मैंने आपको ये समझाया कि गोल सेट करके छोड़ देना नहीं है नहीं। गोल सेट करके ये गोल अपना है खुद ने सेट किया है आपने ठीक है तो ये गोल जब आपने सेट किया है गोल सेट करके उसके तरफ काम तो आप अगर टायर्ड हो जाते हो या फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि हम एथलीट्स हैं हम इंजुरी तो आएगा वो तो हम रोक नहीं सकते मतलब डिले कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं बट रोक नहीं सकते है ना तो अगर कुछ प्रॉब्लम है वो तो आप कोच साहब के साथ डिस्कस करके आप सॉल्यूशन कर सकते हो बट अगर आप ओलंपिक अचीव करना आपका एम है ओलंपिक मेडल लाना आपका एम है तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा आप जो इंटरेस्ट जब आपका इंटरेस्ट लॉस होता है आप मैं आपको छोटी सी सजेशन देता हूँ आप एक छोटा सा डायरी मेंटेन कीजिए उसमें कि आप क्या करना चाहते हैं लिखिए और आपका जो डेली जो ट्रेनिंग है आपने क्या किया क्या नहीं किया आपका परफॉर्मेंस क्या एवरीथिंग लिखिए और एवरी वीक संडे जो टाइम निकाल के पूरे वीक में आपने क्या किया देखिए क्या अचीव किया आपने देखिए
क्या बेटर किया, क्या नहीं कर पाया, क्या आपको करना चाहिए था, तो ये इससे क्या होगा ना कि आपका दिमाग जो है इसी में इन्वॉल्व रहेगा, उसको फ्री टाइम नहीं मिलेगा कि थिंक अबाउट कि मेरा इंटरेस्ट हट गया है, मैं इस नहीं कर सकता मेरा कुछ, आपके दिमाग जो है ना आप उसको जितना इसमें इन्वॉल्व रखोगे उतना कम टाइम मिलेगा टू थिंक अबाउट डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन में जाने के लिए उतना कम टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आप ये एक छोटा सा टेक्निक यूज करो, आप एक डायरी मेंटेन करो, एवरी वीकेंड में संडे को उस डायरी को पढ़िए और उस डायरी में आपका खुद का गोल लिखिए, आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्या नहीं कर, मतलब क्या आप करना चाहते थे, कितना लेवल तक आपको पहुंचना है, आप क्या नहीं कर पाए, रीजन क्यों नहीं कर पाए, एवरी डिटेल अबाउट योर गोल, अबाउट योर स्पोर्ट्स, अबाउट योर अचीवमेंट, अबाउट यू, नॉट पर्सनल गोल्स, ओनली योर स्पोर्ट्स रिलेटेड गोल्स, राइट। यू मेंशन ऑल दीज थिंग्स और एवरी संडे को पढ़िए, आपको आपका जो गोल है ना वो बहुत अच्छा गोल है और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, करोगे राइट, चलो। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके एनी अदर क्वेरीज, एनीवन यू वांट टू आस्क समथिंग? Sir Angrez, are you there? Yes sir. Any other queries? If there is anything we can just discuss. Any participant want to ask any question? We are just ending the session. If anybody have any question, can ask. I think we have done, sir. Okay. That again? Yes, sir. कल के बारे में बताना चाहता था आशुतोष, कल जो हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है फ्राइडे, कल हमारा मस्कुलर ट्रेनिंग है, क्योंकि मस्कुलर ट्रेनिंग हम तकरीबन जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं काम नहीं है, लेकिन इसके लिए वेट्स की जरूरत है, रोवर्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं, जो भी शायद आप लोग भी कुछ वेट ट्रेनिंग तो कर रहे होंगे घर पे, जैसे कि हमने स्क्वाट, आपके पास तो जो अच्छा है सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो साधन है आपका जो बम्बू स्टिक से आप प्रैक्टिस करते हैं, सिमिलरली उसी बम्बू से हमने क्या है कि दोनों साइड में कुछ वेट्स बांध के स्क्वाट भी कर लेते, जो भी अवेलेबल घर में वेट्स है इम्प्रोवाइज तरीके से, इस हमने सिंगल हैंड पुल भी कर लेते, चाहे हमें 5 लीटर 10 लीटर का जो पानी का कैन है या कुछ कपड़े में वेट्स बांध के इस तरह प्रिपेयर करते हैं, जो भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो आप जो प्लानिंग मुताबिक आप प्रिपेयर कर लें, जो हमारे साथ जो सूटेबल एक्सरसाइज आप कर लिए, अगर अल्टरनेटिव नहीं तो आप एक्सरसाइज भी साथ साथ कर सकते हैं, उसके बाद हमने एडुकेशन पार्ट हमने कम वो है टारगेट जोन, हार्ट रेट के ऊपर किस तरह अलग अलग जोन में हम काम करते हैं, क्या फोकस रखना चाहिए, ये हमारा एडुकेशन पार्ट कर रहा है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कल के लिए, इसी तरह के प्रिपेयर कर ले कल हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके जैसे कि सर ने बोला है कैनो कैक एथलीट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी स्टिक और कोई भी स्टील रोड है आपके पास, तो सर ने बता ही दिया आपको कि आपने वेट प्रिपेयर करना है, तो कैनो कैक एथलीट्स कल के लिए अपना वेट प्रिपेयर करना है, वाटर कैन है 5 लीटर का जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो, और जो भी है ईट बांध के उसको कर सकते हो प्रिपेयर, तो आप बी प्रिपेयर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। आशुतोष सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन सेशन। थैंक यू। जल्दी तक बंद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके नाउ फॉर द वोट ऑफ थैंक्स आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर सेंटर इन चार्ज ऑफ आई एनसीओ एलआरपी साथी अर्जुन अवॉर्डी साथी थॉमस सर। Yeah.
म्यूट कर दें अगर रिस्पेक्टेड कोचेस एथलेटिक्स पेरेंट्स टीचर्स ऑफिसर्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रॉम साई एंड सोई एलपी जैसे आपको पता है आज का सेशन का जितना इंपॉर्टेंस है हमारे पास एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ रखा था कि साइकोलॉजिकल अप्रोच मतलब कहीं भी कुछ प्रॉब्लम किसको है उनके लिए इतना इम्पोर्टेंस ये नहीं पता था लेकिन अभी आपने सर ने बहुत अच्छी तरह उसके बारे में समझाया अभी हम उम्मीद कर रहे हैं आगे इनके इसके लिए हम बहुत फायदा हमारे लिए हमारे थोड़ा सा टाइम गया तो सर का जो भी क्लासेस है मेरे ख्याल से हम अभी आगे एक नहीं दो तीन क्लास रखना पड़ेगा मेरे को लग रहा है जरूर हम कोशिश करेंगे इसके लिए आगे एक या दो या तीन क्लास रखने के लिए कोशिश करेंगे ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे एक प्रोग्राम हमारे को इधर ही आज का गेस्ट ऑफ ऑनर श्री एंदप्पा अरंबा तो ये प्रोग्राम में हमारे कोचेस ने इन्वेट किया और ये प्रोग्राम में आ गया उन्होंने एक इंट्रोडक्शन भी दिया छोटा मैसेज भी दिया उनके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर था जो एंदप्पा अरंबा इंटरनेशनल प्लेयर उनको धन्यवाद दे रहा हूँ थैंक यू सर उसके बाद हमारे डायरेक्टर रीजनल डायरेक्टर किशोर सर तो हर प्रोग्राम का पूरे के पीछे सर का मोटिवेशन है सर का एनकरेजमेंट है सर हर तरह से हर तरीके से हमारे को मोटिवेट करता है तो सर को भी इसके साथ हम थैंक यू बोलता हूँ थैंक यू सर हमारे डायरेक्टर सर है इंग्लिश सर गाइडेंस सर का गाइडेंस में हर हर का गाइडेंस में चलता है तो सर को भी इसके साथ धन्यवाद दे रहा हूँ थैंक यू सर उसके बाद हमारे नेशनल कोच सर रोविंग इस्माइल बेग सर तो ये प्रोग्राम में सा आ गया इनका क्वेश्चन भी पूछा क्लैरिफिकेशन भी ले लिया कभी नेक्स्ट प्रोग्राम के बाद में बोला तो ये प्रोग्राम सर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है हर जगह पे मे भी थोड़ा बहुत इधर लेट हो जाता है लेकिन सर लेट नहीं होता 100% टाइम पर आ जाता है तो ये प्रोग्राम में आ गया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस्माइल सर थैंक यू सर और हमारा कोचेस है तो एमिनेंट कोचेस एनसीओई जगतपुर से पाउलोस ओलंपियन और इंद्रपाल सिंह सर ओलंपियन दोनों इसमें पार्टिसिपेशन दिया इंद्रपाल सर ने क्वेश्चन भी पूछा था और पौलो सर और इंद्रपाल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर तो हमारा बहुत सारे कोचेस इसमें पार्टिसिपेट किया मैं लिस्ट देखा था काफियों को देखा मैं पीयूष और संजीव लखर जयेंद्र कुमार संजीव सिंह और सोमा बरवा सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ऑल और एक मैं नाम देखा था प्रोफेसर हेमंत आई डोंट नो हु इज आई हैव सीन हिज नेम या तो थैंक यू सर फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड आल्सो डॉक्टर सुनील नाइक क्वेश्चन पूछा था उनको थैंक यू सर तो बस हमारे ये प्रोग्राम में हर तरह का इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मदद किया मतलब एक्चुअली उनका मेहनत की वजह से चित्र इधर है कनौ कैच का तो ये हमारे दो कोचेस है एक एशियन गेम्स मेडल ओनली एंड वन एशियन गेम्स मेडलिस्ट ऑफ इंडिया सिद्धिकुमार एस एंड नेक्स्ट अवर यंग एंड एक्टिव कोच अंग्रेजी हम ये दोनों का वजह से हमारे प्रोग्राम अच्छी तरह सक्सेस होने के उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों के लिए और साथ साथ में हमारा टीम एनसीओ एलपी का एक टीम है वो बहुत अच्छी तरह है उसमें एक एंकरिंग कर रहे हैं किरण डॉक्टर किरण और असिस्टेंट कोच रोहिंग हमारे को एक मेन थैंक यू बोलने वाले है हमारा डॉक्टर आशुतोष आचार्य सर उन्होंने आज का मैं जितना सोचा था मेरे को वही हाई स्टैंडर्ड में वाले आप लोग डॉक्टरेट लिया पीजी लिया वो सिंपल तरीके से पढ़ लिया मेरे को जरूर उम्मीद है आगे थोड़ा और कम पार्ट ले लेंगे और ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा ज्यादा मदद होगा ओके तो इसके लिए सर इतना अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करके आ गया हम आगे एनएस में भी हमने कुछ स्पेसिफिक ऐड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपको भी अब किनेसियोलॉजी में भी और फिजियोलॉजी में और इसका मसल्स ग्रुप में बारे में फिजियोलॉजी में भी और किनेसियोलॉजी में भी एंथ्रोपोमेट्री में इसमें कुछ स्पेसिफिक ऐड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं पीरियडाइजेशन में भी तो जरूर आप लोगों को सभी का मदद इसमें चाहिए तो ये यंग जनरेशन साइकोलॉजी प्रोसेस में एक बहुत अच्छा एक वन ऑफ द बेस्ट वन तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर कम आवर क्लास एंड एक अच्छा सेशन कंडक्ट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके साथ हमारे को ये प्रोग्राम में कंडक्ट करने के लिए हमारे को बहुत मदद मिल रहा है ऑलमोस्ट
सर कैनोइंग एकेंगे या तो कैनोइंग एकेंगे एसोसिएशन साथ साथ हमारा साई का डायरेक्टर संदीप प्रधान सर के साथ, तो इनके एक कोलाब्रेशन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट करने के लिए हर तरह का हर लोगों का सपोर्ट इधर मिल रहा है, तो इनके लिए सभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद टू ऑल। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और आपका ऑलरेडी आपका टाइम हो गया ऑनलाइन क्लास के लिए, आप जरूर अटेंड कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द एथलीट्स एंड थैंक यू सॉरी सर, देयर इज एन अनाउंसमेंट कि ऑन 15th अगस्त वी विल नॉट हैव आवर क्लास ऑन सैटरडे बिकॉज ऑफ द 15th August, so at least note that we don't have class on 15th August. Thank you everyone. Now we are signing off for today. Thank you everyone. Stay home, stay safe. Thank you.